ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेबिनार स्टार्ट करने से पहले आईकुड का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। लेट मी शेयर ऑफ माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, वेबिनार स्टार्ट करने से पहले आईकोड का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। आईकोड का जो प्लेटफॉर्म है, इसका इनिशिएटिव सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने लिया है। और आईकोड का जो मोटो है वो है शेयर, लर्न एंड ग्रो। आईकोड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने नॉलेज शेयर करते हैं, दूसरों के नॉलेज से लर्न करते हैं, और एज अ कम्युनिटी हम ग्रो करते हैं। सो आईकोड का मिशन क्या है? तो हमारा मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना और हाईटेक स्किल्स स्टूडेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस कराना जो मार्केट में इन डिमांड्स हैं, और इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप कराना हैकाथॉन्स और वेबिनार्स की शक्ल में। आईकोड का फोकस और हम काम कैसे करते हैं। आईकोड पर दिन में 10 सेशंस होते हैं, एक वीकली वेबिनार होता है और एक वीकली वर्कशॉप होती है। इसके अलावा पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स के कोर्सेज जो है फॉर नेचुरल साइंस स्टूडेंट्स के लिए रन करवाए जाते हैं। फ्री आर्ट्स और जीआर के कोर्सेज करवाए जाते हैं ताकि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज को हम ग्रैब कर सकें इजीली। डीएसए लीड कोड जैसे सेशन आईकोड पे बैक टू बैक रन होते हैं ताकि हम फैन कंपनीज के इंटरव्यू के कोडिंग क्वेश्चंस जो हैं उनको इजीली क्रैक कर सकें। एडवांस कोर्सेज मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स जैसे कोर्सेज आईकोड पे रन किए जा रहे हैं, और ये सारे जो सेशंस हैं इनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे आईकोड के। तो इनकेस अगर हमारा कोई सेशन मिस हो जाता है और हम लाइव वॉच नहीं कर सकते, तो हम आईकोड के फेसबुक पेज से अपनी जो सेशन है उसको देख सकते हैं। बात करते हैं आईकोड की रिसेंट अचीवमेंट्स के बारे में। सो आईकोड के 600+ इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं हैकाथॉन्स और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में। आईकोड हेल्प करता है अपने स्टूडेंट्स को फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन सिक्योर करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूएसए। आईकोड हेल्प करता है लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब के लिए ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टैंड आउट हो सकें, ताकि पाकिस्तान स्टैंड आउट हो सके इंटरनेशनल मार्केट में। और अब बात करते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, विच इज़ वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी, सबने नाम सुना होगा, और CS50 विच इज़ वेरी प्रेस्टिजियस इवेंट जो कि हार्वर्ड में कंडक्ट किया जाता है। 9x9 पजल डे एक इवेंट है हार्वर्ड में जो कि हर साल इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसमें हमारे पास पजल्स होते हैं जो हमने बैक टू बैक सॉल्व करने होते हैं, और इसमें इस साल 2024 में पाकिस्तान की 60 टीम्स ने विन किया है, सक्सेसफुली 9x9 पजल्स को सॉल्व किया है, और पाकिस्तान का सेकंड रैंक बनता है। वी हैव लेफ्ट इंडिया बिहाइंड दिस कॉम्पिटिशन, सो दिस इज द ग्रेट जंप टूवर्ड्स सक्सेस इन 2024। बात करते हैं एक और कंपटीशन की, कोड इन प्लेस जो कि स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी जो है ऑर्गेनाइज करवाती है, और 2023 में पाकिस्तान से 11 मेंटर्स जो हैं इसमें सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से 10 आईकोर से थे, और 2024 में 70 मेंटर सिलेक्ट हुए हैं, विच इज़ वन अनदर ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ आईकोड ग्रुप। और 70 जो मेंटर्स हैं कोड इन प्लेस में वो आईकोड के इसमें आईकोड का इस तरह से रोल है कि 5 जो वर्कशॉप्स हैं आईकोड ने इवेंट से पहले ऑर्गेनाइज करवाई थी, जिसमें आईकोड ने हेल्प की बकायदा स्टूडेंट्स की कि एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरह वर्क करना है, एप्लीकेशन पे काम किस तरह करना है, अपनी वीडियो डेमो पे किस तरह काम करना है और उसमें अप्लाई कैसे करना है। तो विच इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल इवेंट, और यू कैन से दैट वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट अचीवमेंट ऑफ आई कोड ग्रू। 2023 में कोड इन प्लेस गूगल कोड जैम एक कॉम्पिटिशन है, इसमें आई कोड के 301 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, और हर साल ये कॉम्पिटिशन होता है। बहुत कम स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन 2023 में स्टूडेंट्स की एक अच्छी तादाद ने पार्टिसिपेट किया जो कि आई कोड से थी। तो हम इंतज़ार करें 2024 का कि इसमें भी हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। इतिहाद एविएशन ग्रुप अबू धाबी में 3 इंटर्न्स जो हैं आईकोर से वो गए थे इंटर्नशिप के लिए एक इंटरनेशनल हैकाथॉन विन करने के नतीजे में।
करंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, जो कि इस वक्त एकॉर्ड अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहा है इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए. द विजिटिंग स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम जो कि किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इनिशिएटिव ले रही है इसका. तो ये 3 to 6 months का प्रोग्राम है और एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड थ्रू आउट द ईयर. तो काफ़ी ज़्यादा से स्टूडेंट्स में अप्लाई कर रहे हैं और एकॉर्ड हेल्प कर रहा है उसके एप्लीकेशन प्रोसेस में. तो अभी भी इसकी एप्लीकेशन रिव्यू प्रोसेस चल रहा है. स्टूडेंट्स जो हैं स्लैक पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अनदर अपॉर्चुनिटी स्वीडन 24 फुली फंडेड एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें एक सेमेस्टर एक्सचेंज आप स्कॉलरशिप हासिल करते हो. ये एक सेमेस्टर का होता है, मीन्स 4 months का, और इसकी जो डेडलाइन है वो है 21 मई. तो आई कोड हेल्प कर रहा है स्टूडेंट की इसमें भी एप्लीकेशन प्रोसेस में. और वुमेन इन टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप अनदर अपॉर्चुनिटी, जिसकी डेडलाइन आज है. सो इट इज स्पेसिफिक फॉर फीमेल पार्टिसिपेंट जो कि इसमें अप्लाई कर रही हैं. तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन ऑन स्लैक. ओके, थैंक यू सो मच. रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मौजूद है. आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें रीच आउट कर सकते हैं. तो आज का वेबिनार का जो टाइटल है, जनरेटिव एआई इन हार्नेसिंग प्री ट्रेंड मॉडल्स फॉर इमेज जनरेशन फ्रॉम यूजर प्रॉम्प्ट्स. हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, मैं महविश अब्बास हैं, मैं महविश अब्बासी हैं. और वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं मैम का छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है वो देना चाहूँगी. तो बात करते हैं मैम की एजुकेशन के बारे में. मैम ने अपना जो BS ऑनर्स है वो कराची यूनिवर्सिटी से किया है और मास्टर्स भी कराची यूनिवर्सिटी से किया है अप्लाइड मैथमेटिक्स में. और स्टूड फर्स्ट अवार्ड इन एंटायर प्रोविंस ऑफ सिंध. प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने मैम को अवार्ड दिया था फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस पे, विच इज़ अ ग्रेट थिंग एंड विच इज़ अ बिग थिंग. के ये हमारा ऑनर है कि मैम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं. और विद ओवर 8 years एक्सपीरियंस शी होल्ड्स अ मास्टर्स डिग्री इन CS फ्रॉम मैकमास्टर यूनिवर्सिटी कैनेडा. देन 2021 शी कम्प्लीटेड माइक्रो मास्टर्स डिग्री फ्रॉम US सैन डिएगो USA इन डेटा साइंस. सो लेट्स टॉक अबाउट हर एक्सपीरियंस. 2005 में शी स्टार्टेड हर जर्नी एज इंस्ट्रक्टर इन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एंड फास्ट यूनिवर्सिटी. देन 2007 वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट इन मैक मास्टर यूनिवर्सिटी कैनेडा. आफ्टर दैट एज अ डेटा साइंटिस्ट शी वर्कड एट सेमटेग्रा सॉल्यूशंस. और फिर मैंने ज्वाइन किया एक्शन फॉर हेल्दी कम्युनिटीज एज अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर टू AI एंड ML इंस्ट्रक्टर. करंटली मैम काम कर रही है नॉर्थ कोस्ट कॉलेज कैनेडा में एज अ इंस्ट्रक्टर, ML एनालिस्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्टर. एंड वन एडिशनल थिंग विच आई वॉन्टेड टू एड हियर, शी हैज़ बीन नॉमिनेटेड टीचिंग एक्सलेंस अवार्ड एट नॉर्थ कोस्ट कॉलेज. सो ये हमारा ऑनर है कि मैम हमारे साथ हैं. सो प्लीज ज्वाइन मी टू वेलकमिंग मैम महविश अब्बासी. एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. वी आर वेरी एक्साइटेड टू फॉर दिस वेबिनार, सो वी कैन टेक अ स्टार्ट. Thank you, Muskan. Thank you for this kind introduction. Assalamu alaikum, everyone. जैसा कि मुस्कान ने बताया, आज हमारा टॉपिक है जेनरेटिव एआई। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ सबका, बहुत सारे लर्नर्स हैं यहाँ पे और सबका डिफरेंट बैकग्राउंड है। एंड वी जस्ट हैव 1 आवर, तो आई विल गिव एन इंट्रोडक्शन टू जेनरेटिव एआई। हम देखेंगे किस तरह जेनरेटिव एआई का क्या रिलेशनशिप है मशीन लर्निंग से, एआई से इन जनरल, और फिर हम एक टेक्स्ट टू इमेज एक काइंड ऑफ टूल बनाएंगे यूजिंग हगिंग फेस। वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, जस्ट 1 आवर में हमें ये सब कुछ करना है। तो मैं बहुत सारी रिसोर्सेज शेयर करूंगी जिनको पहले से कुछ बैकग्राउंड है, ताकि उनका टाइम जाया ना हो, और जिनको बैकग्राउंड नहीं है वो आफ्टर द सेशन दे कैन गो एंड लर्न फ्रॉम दोज रिसोर्सेस। एक चीज जो मैं पहले से ही वॉर्न करूंगी, मैं एक होटल से काम कर रही हूँ, तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है, तो अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो जस्ट वेट, आई विल बी बैक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी। कैन एवरीवन सी माय स्क्रीन? मुस्कान, इफ एट एनी पॉइंट मेरी आवाज नहीं आए या मेरी नहीं देख सकें तो लेट मी नो। श्योर स्क्रीन आ मैम. रही जी मैम, बिल्कुल. है? ओके, आसम, परफेक्ट, थैंक यू।
जैसे कि मुस्कान ने इंट्रोडक्शन कराया, मैं आई एम वर्किंग एज ए टेक्नोलॉजी इंस्ट्रक्टर, अ मशीन लर्निंग एनालिस्ट प्रोग्राम है नॉर्थ वेस्ट कॉलेज में. मैं एडमिंटन बेस्ड हूँ. एडमिंटन, बहुत से लोगों ने कनाडा का टोरंटो तो सुना होगा, मगर एडमिंटन शायद पता ना हो. एडमिंटन वेस्ट साइड पर है कनाडा के, और यहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा है. और रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो कि एक टाइप है लर्निंग की मशीन लर्निंग में, उसके को फाउंडर रिचर्ड सर्टन हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में जॉब करते हैं. यहाँ पे उनका एक अपना इंस्टीट्यूट है, लाइक नहीं अपना इंस्टीट्यूट नहीं है मगर वो एक इंस्टीट्यूट में रिसर्च इंस्टीट्यूट एमी और यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में वर्क कर रहे हैं इस वक्त. आप देख सकते हैं रिचर्ड सर्टन, ही इज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ को फाउंडर ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग. तो आज का एजेंडा कैसे है, हम स्टार्ट करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन से. मैंने देखा है बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्पेशली जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होता कि डिफरेंस क्या है. एआई था, अब जेनरेटिव एआई है. पहले बहुत ज्यादा हाइप थी एआई की, फिर ऑल ऑफ सडन एवरीथिंग शिफ्टेड टू जेनरेटिव एआई. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एआई एंड जेनरेटिव एआई, कुछ डेफिनेशन देखेंगे. फिर हम देखेंगे कि कैसे एक मशीन लर्निंग पाइपलाइन इज डिफरेंट फ्रॉम जेन ए आई पाइपलाइन. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल स्विच इट टू स्लाइड शो. सो द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग पाइपलाइन एंड जेनरेटिव ए आई पाइपलाइन. एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑफ द जेन ए आई टूल्स, हम चैट जीपीटी कॉमनली बहुत से लोग यूज करते हैं, मगर देर आर अदर जेनरेटिव ए आई प्लेटफॉर्म्स एज वेल, वो देखेंगे. फिर हम हगिंग फेस लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करेंगे. हगिंग फेस लाइब्रेरी में डिफ्यूजर्स एंड ट्रांसफार्मर्स लाइब्रेरीज हैं. हम देखेंगे डिफ्यूजर्स एंड ट्रांसफार्मर्स हैं क्या, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट दे डू. उसके बाद हम एक एग्जांपल देखेंगे. हम खुद से क्रिएट करेंगे हगिंग फेस को यूज करके एक ऐसा बैकएंड दैट कैन जनरेट, जो टेक्स्ट लेकर, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लेकर इमेज जनरेट करेगा. ओके, बिफोर आई स्टार्ट, के यहाँ पे मैं थोड़ी सी सब चीजों की डेफिनेशन दूंगी, बिकॉज कुछ लोगों ने ऐसे भी कांटेक्ट किया मुझसे जिनका कोई एआई का बैकग्राउंड नहीं है और वो ये सेशन अटेंड करना चाह रहे थे. तो थोड़ी सी सारी बेसिक से लेके चलूंगी मैं. मगर सबसे पहले एआई, और बहुत सारे आप जो यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं लर्नर्स, वो इतने जेन जेड से बिलोंग करते हैं और वो इतने बाद में दुनिया में आए हैं कि उन लोगों ने शायद सबने बस ये सारे टूल्स, नॉट लाइक चैट जीपीटी, बट बहुत सारी चीजें जो मैंने एज ए मिलेनियल बनते हुए देखी हैं, दे टेक इट फॉर ग्रांटेड. जब मेरा, मुझे याद है जो मेरा पहला कंप्यूटर साइंस का कोर्स था, उसमें मैंने द डेफिनेशन जो मैंने लर्न की वो ये था कि कंप्यूटर इज अ डम मशीन. एंड इट नीड्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट अ टास्क. तो आपको उस स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के लिए हमने ये सारी लैंग्वेजेस लर्न की. GW बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, फिर सी, C++, जावा, पाइथन, ताकि हम कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दे सकें और हम इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें. बट अब 2024 में हम इजीली कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं. हम सिरी यूज कर रहे हैं, हम एलेक्सा यूज कर रहे हैं, हमारे पास चैट जीपीटी है, गिथब को पायलट है. इन सबको यूज करके हम कंप्यूटर को इजीली नेचुरल लैंग्वेज में, इंग्लिश में, ह्यूमन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कंप्यूटर वो हमारे लिए वो टास्क फिनिश करता है. तो ये सारी इवॉल्वमेंट, ये सारा कैसे हुआ कि हम पहले एक एक इंस्ट्रक्शंस लिख रहे थे कंप्यूटर के लिए, उसको कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए, वर्सेस अब जब हमें इंस्ट्रक्शंस जरूरी नहीं है कि हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करें, हम नेचुरल लैंग्वेज के साथ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. तो ये सारा पॉसिबल कैसे हुआ, तो हम स्टार्ट करते हैं एआई से. तो एआई है क्या? एआई एक ऐसी, हम सबके अंदर इंटेलिजेंस है और एज ए ह्यूमन हम सब एक इंटेलिजेंस पजेस करते हैं. बट जब हम वही इंटेलिजेंस एक मशीन में देखना चाहते हैं या मशीन उसको एग्जिबिट करती है, तो
तो हम कहते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमारे अराउंड. बहुत से लोग ये समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ रोबोट्स हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी टाइम लगेगा जब रोबोट्स हमारे अराउंड वर्क करना शुरू करेंगे, तो रोबोटिक्स ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. ऐसा नहीं है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं. जैसे हमारे पास फेसबुक में या किसी भी सोशल मीडिया पे, या इवन हमारे कंप्यूटर सेलफोन्स में जो फोटो लाइब्रेरीज हैं, वो से फेस डिटेक्ट करती हैं, फेस रिकग्नाइज करती हैं. ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पॉसिबल है. हम यूट्यूब वॉच करते हैं, हम नेटफ्लिक्स वॉच करते हैं, हमें एक लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशंस मिलती हैं कि ये वीडियो वॉच कर सकते हैं हम. पॉसिबली हमें एक लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशन मिलती है जो पॉसिबल वीडियोस होती हैं जो हम लाइक करेंगे, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की वजह से पॉसिबल है. इसी तरह हमारे फोन्स में सिरी है, गूगल असिस्टेंट है. डिपेंडिंग आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, ये सारे भी डिजिटल असिस्टेंट, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. सेल्फ ड्राइविंग कार इज अनदर एग्जाम्पल. अभी तक हमारे पास पाकिस्तान में सेल्फ ड्राइविंग कार्स नहीं है, ना ही यहाँ एडमिंटन में हर जगह कोई सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, बट दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दूसरी एक एग्जाम्पल जो हम अपने डे टू डे में यूज करते हैं, आप सब ईमेल्स करते हैं, और ईमेल्स में हमने रिसेंटली ये नोटिस किया है, रिसेंट लाइक इट स्टार्टेड इन 2018, कि ये ऑटो कंप्लीट का हमारे पास ऑप्शन आता है. आप कुछ लिख रहे होते हैं, सेंटेंस टाइप कर रहे होते हैं, और वो सेंटेंस खुद से कंप्लीट, आपको सजेशंस मिलती हैं. तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक और एग्जाम्पल है. मुस्कान, ये सेशन इंटरेक्टिव हो सकता है, जी मैम, सब मैम स्टूडेंट्स लर्नर्स यहाँ पे अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं. मैम इफ यू डोंट माइंड, अगर सेशन के बाद अगर क्वेश्चंस ले लिए जाएं। ओके सही है, ओके ठीक है, ओके ओके. तो ये सारी एग्जांपल्स थी एआई की जो हमारे डे टू डे लाइफ में है. फिर क्या डिफरेंस है बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग एक सब ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. यहाँ पे हम मशीन को टीच करते हैं यूजिंग डेटा, और फिर वंस आप मशीन को टीच करते हैं यूजिंग दैट डेटा, एक मॉडल बिल्ड करते हैं, और वो मॉडल कैन बी यूज टू मेक डिसीशंस या प्रिडिक्शंस. इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम सब ईमेल करते हैं, और ईमेल्स में हमारे पास एक इनबॉक्स होता है, एक स्पैम का फोल्डर होता है. अगर आपने कभी सोचा हो तो कुछ ईमेल्स आपकी जो स्पैम नहीं होती वो भी स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं. और ये मिस्टेक कैसे होती है, अगर आपने कभी इस पे सोचा हो, तो ये सारा कोई ह्यूमन बीइंग पीछे बैठ के नहीं कर रहा कि वो आपकी कुछ ईमेल्स को स्पैम में भेज रहा है, कुछ इनबॉक्स में भेज रहा है. ये पॉसिबल है ड्यू टू मशीन लर्निंग, और आजकल न्यूरल नेटवर्क्स यूज होते हैं इस आपके स्पैम और हैम ईमेल्स को सेपरेट करने में. तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग. और जैसे मैंने पहले कहा, रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं आपका एमेजोन पे, नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे, इन सब में आपके पास रिकमेंडेशन आती है कि आप कोई भी वीडियो वॉच करें. फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे, तो जो वीडियो आपकी आपकी हिस्ट्री है, इसी तरह जो दूसरे लोग जो आपके ही टाइप की, जिनकी चॉइस है आपके ही टाइप की, जिन्होंने वीडियोस वॉच की हैं, आप सबकी हिस्ट्री पे बेस होके वो आपको नई वीडियोस रिकमेंड करते हैं. ये एक वेन डायग्राम है, आप देख सकते हैं हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड है मशीन लर्निंग से. मशीन लर्निंग, जैसे मैंने पहले कहा, एक सब ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. अब हम देखेंगे कि कैसे फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के साथ जेनरेटिव एआई रिलेटेड है. शायद आपने न्यूरल नेटवर्क के बारे में सुना हो. न्यूरल नेटवर्क
मशीन लर्निंग में हमारे पास डिफरेंट अल्गोरिदम्स हैं, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन. इसी तरह न्यूरल नेटवर्क एक अल्गोरिदम है जो हम मशीन लर्निंग में यूज करते हैं. मशीन न्यूरल नेटवर्क हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, उसी से इंस्पायर्ड होके बना है न्यूरल नेटवर्क. न्यूरल नेटवर्क में मैं इन सब चीजों की डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बट मैंने आखिर में एक रिसोर्सेस की लिस्ट बनाई हुई है. एक हाई लेवल ओवरव्यू दूंगी आपको यहाँ पे ताकि हम टाइमली मैनर में फिनिश कर सकें. मगर न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास लेयर्स होती हैं. एक लेयर है इनपुट लेयर, इनपुट लेयर जहाँ हम अपना डेटा इनपुट करते हैं. फिर हमारे पास डिफरेंट हिडन लेयर्स होती हैं और आखिर में हमारे पास एक आउटपुट लेयर होता है. जब वी हैव मोर देन वन हिडन लेयर और मोर देन थ्री लेयर्स इन टोटल, उस तब हम इस न्यूरल नेटवर्क को और इस लर्निंग को डीप लर्निंग कहते हैं. तो डीप लर्निंग तब है हमारे पास न्यूरल नेटवर्क जब हमारे पास न्यूरल नेटवर्क में मोर देन वन हिडन लेयर है, दैट इज डीप लर्निंग. तो अभी तक हमने लर्न किया क्या इससे कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब ब्रांचेस मशीन लर्निंग, देन मशीन लर्निंग में डिफरेंट अल्गोरिदम्स हैं और न्यूरल नेटवर्क उनमें से एक अल्गोरिदम है. और जब न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास एक से ज्यादा हिडन लेयर है तब उस लर्निंग को हम डीप लर्निंग कहते हैं. सो यहाँ हम देख सकते हैं कि डीप लर्निंग इटसेल्फ एक मशीन लर्निंग की सब ब्रांच है. तो हाउ ये कैसे रिलेटेड है डीप लर्निंग जेनरेटिव एआई से? जेनरेटिव एआई भी एक टाइप है मशीन लर्निंग की जो प्रोड्यूस करते हैं नए कंटेंट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस. अगर आपने चैट जीपीटी यूज किया हो, आपके पास चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट बॉक्स होता है जो आप बॉक्स देखते हैं, उस पर आप जो कुछ टेक्स्ट लिखते हैं कोई टास्क कंप्लीट करवाने के लिए, वो बॉक्स प्रॉम्प्ट कहलाता है. जो आप उसमें इनपुट लिखते हैं वो प्रॉम्प्ट कहलाता है. और आप उस चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेट करने के लिए. इवन अगर आपने जेमिनाई यूज किया हो गूगल का, तो उसमें भी आप एक टेक्स्ट एज अ प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं और वो टेक्स्ट भी जनरेट करता है, वो इमेजेस भी दिखाता है, बट वो इमेजेस कहीं इंटरनेट से ही ले हुए होते हैं, वो नई इमेजेस नहीं जनरेट करता. तो चैट जीपीटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनरेटिव एआई. यहाँ जेनरेटिव एआई में हम जो अल्गोरिदम यूज कर रहे हैं वो डीप लर्निंग है. जैसे मैंने पहले कहा कि मशीन लर्निंग में डिफरेंट अल्गोरिदम्स होते हैं और वो अल्गोरिदम्स और डेटा आप देते हैं टू बिल्ड अ मॉडल. तो जेनरेटिव एआई के लिए जो अल्गोरिदम हम यूज कर रहे हैं वो डीप लर्निंग है. दैट मींस हम न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं जेनरेटिव एआई में. और जेनरेटिव एआई कैसे डिफरेंट है अदर मशीन लर्निंग अल्गोरिदम से या दूसरी मशीन लर्निंग से कि हम जेनरेटिव एआई में हमारे पास नया कंटेंट जनरेट होता है, जबकि टिपिकल मशीन लर्निंग में आपके पास डेटा और अल्गोरिदम है, मगर मशीन लर्निंग का जो आपने मॉडल बिल्ड किया है वो या तो क्लासेस आपको देंगी या आपको कोई नंबर प्रिडिक्ट करेंगी, नया कंटेंट नहीं जनरेट होगा. वेयर एज इन जेनरेटिव एआई आपके पास नया कंटेंट प्रोड्यूस होता है और दैट कंटेंट कैन बी टेक्स्ट, जैसे चैट जीपीटी में है कि वो टेक्स्ट जनरेट होता है. अगर आपने कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर किए हैं जैसे स्टेबल डिफ्यूजन है, डेली टू है, उनमें आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट एंटर करके इमेजेस जनरेट कर सकते हैं. इसी तरह रनवे एमएल है जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लेके वीडियो जनरेट कर सकता है. हम देखेंगे इन सारे टूल्स पे भी कुछ लिंक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और हम एक नजर देखेंगे उन सारे टूल्स को भी. अब जेनरेटिव एआई ये करता कैसे है, कैसे कंटेंट नया जेनरेट करता है? तो जेनरेटिव एआई, अगर आपका पता हो कि सारे मशीन लर्निंग मॉडल्स बहुत सारा डेटा लेके ट्रेन किए जाते हैं. आपके पास जितना ज्यादा अच्छा क्वालिटी डेटा हो उतना अच्छा आपका मॉडल बिल्ड होगा. चैट जीपीटी और दूसरे जेनरेटिव एआई टूल्स लार्ज डेटा सेट लेते हैं और उनपे वो उनको ट्रेन किया जाता है. वंस वो
सारे डेटा लेके आपने उनको ट्रेन कर लिया, उसके बाद एक नया वो एक स्टैटिस्टिकल मेथड प्रोड्यूस करता है, और फिर वो स्टैटिस्टिकल मेथड ही यूज होते हैं नया कंटेंट जनरेट करने के लिए. तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन जेनरेटिव एआई, एआई मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. जेनरेटिव एआई, अगर आप यहाँ पे देखें इस वेन डायग्राम से, तो जेनरेटिव एआई डीप लर्निंग के ही सारे एल्गोरिदम्स यूज करता है, और डीप लर्निंग इटसेल्फ सब ब्रांच है मशीन लर्निंग की, और मशीन लर्निंग सब ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. तो एक चीज जो मैं एम्फोसाइज करूंगी कि जेनरेटिव एआई, आप देख सकते हैं कि ये न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहा है, और न्यूरल नेटवर्क को बेटर रिजल्ट्स देने के लिए एक से ज्यादा हिडन लेयर होती है, और तब हम न्यूरल नेटवर्क को डीप लर्निंग काउंट करते हैं. यहाँ पे एक टिपिकल फ्लो है. आई नो ये मुझे बहुत ही बोरिंग सा वे लग रहा है, इट्स लाइक वन वे, मैं आप बोलती जा रही हूँ विदाउट एनी क्वेश्चंस. मगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लिख सकते हैं, और हम वो आखिर में टाइम स्पेंड करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन पे. सो ये है हमारा टिपिकल मॉडल फॉर बिल्डिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल. आपके पास डेटा है. आप एक टिपिकल मशीन लर्निंग मॉडल जो प्रेडिक्टिव मॉडल है, आप उसको डेटा देते हैं अलोंग विद एन एल्गोरिदम, और उसके बेसिस पे वो एल्गोरिदम लर्न करता है रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एंड लेबल. और वंस मॉडल आपके पास बिल्ड हो गया, आप उस मॉडल को यूज कर सकते हैं जनरेट करने के लिए, आप उस मॉडल को यूज कर सकते हैं किसी भी अनसीन डेटा पॉइंट के लिए लेबल प्रिडिक्ट करने के लिए. तो आपके पास डेटा है, आपने मॉडल बिल्ड किया, अब आपने कोई भी अनसीन डेटा पॉइंट दिया और वो आपको लेबल प्रिडिक्ट करके देगा. अब जो पॉइंट जो मेन चीज है नोटिस करने की यहाँ पे, कि वो लेबल या तो नंबर हो सकता है, इट कैन बी एन इंटीजर, कैन बी रियल नंबर, कोई क्लास हो सकती है, लेबल आपकी क्लास भी हो सकती है, और लेबल आपकी जैसे कि कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में होता है, लेबल आपकी प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है. बट एक जेनरेटिव एआई के मॉडल में आप अनस्ट्रक्चर कोई भी कंटेंट, कोई भी डेटा दे सकते हैं एज एन इनपुट, और जेनरेटिव एआई मॉडल वो लर्न करता है पैटर्न्स को अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट में. तो डेटा आपका यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है. और एक चीज यहाँ पे मैं फिर मेंशन करूंगी, टिपिकल जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं उसमें आपके पास डेटा लेबल्ड भी हो सकता है, अनलेबल्ड भी हो सकता है. जैसे लेबल डेटा है तो वो सुपरवाइज लर्निंग है, अनलेबल डेटा है अनसुपरवाइज लर्निंग है. जेनरेटिव एआई में आपके पास कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड कॉन्टेंट हो सकता है, आप उसको यूज करके बिल्ड कर सकते हैं मॉडल, और ये मॉडल लर्न करता है पैटर्न्स इन अनस्ट्रक्चर्ड कॉन्टेंट में. उसके बाद आप जैसे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखते हैं चैट जीपीटी में और वो आपको आउटपुट देता है, अब चैट जीपीटी में जो आपके पास आउटपुट आता है वो टेक्स्ट ही आउटपुट होता है, दैट्स अ नेचुरल लैंग्वेज. तो ये आउटपुट नेचुरल लैंग्वेज भी हो सकती है, आउटपुट आपके पास इमेज भी हो सकता है, आउटपुट ऑडियो भी हो सकता है, आउटपुट वीडियो भी हो सकता है. तो यहाँ ये सारा एक्साइटिंग है कि पहले जो हमारे पास टिपिकल ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं उनका आउटपुट सिर्फ नंबर्स थे, क्लासेस थे, प्रोबेबिलिटीज थी, वेयर इज जेनरेटिव एआई में जहाँ हमारे पास जो मॉडल्स हैं वो पूरा का पूरा नया कंटेंट जेनरेट कर रहे हैं, और वो कंटेंट ना सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज है, ना सिर्फ टेक्स्ट है, इमेजेस भी हो सकती हैं, ऑडियोज, वीडियोज, हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम देखेंगे आज, और वो कैसे जेनरेटिव एआई के प्लेटफॉर्म्स ना सिर्फ टेक्स्ट जेनरेट कर सकते हैं बल्कि बिल्कुल डिफरेंट चीजों को जेनरेट कर सकते हैं. तो टिपिकल मॉडल, मशीन लर्निंग का मॉडल, आपने डेटा दिया, आपने एल्गोरिदम दिए, मॉडल बिल्ड किया, और उनका जो आउटपुट है वो क्लासेस हो सकते हैं, वो क्लासिफाई कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या क्लस्टरिंग कर सकते हैं. वेयर एज जेनरेटिव एआई में आपके पास आप लेबल डेटा भी दे सकते हैं, आप अनलेबल डेटा भी दे सकते हैं, आपके पास कोई एल्गोरिदम है, आपके पास डेटा लेबल अनलेबल दोनों हो सकता है, उसको यूज करके
आप एक फाउंडेशनल मॉडल बिल्ड करते हैं। अब जब वंस आपके पास फाउंडेशनल मॉडल है, वो जनरेट कर सकता है नया कंटेंट, जैसे कि मैंने पहले कहा, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, इवन कोड भी हो सकता है। अगर आपने गिथब कोपायलट के बारे में सुना हो, गिथब कोपायलट कोड जनरेट करता है, चैट जीपीटी भी कोड जनरेट करता है, बट चैट जीपीटी के जो कोड की क्वालिटी होती है वो काफी रॉन्ग भी हो सकता है चैट जीपीटी, बट गिथब कोपायलट कोड जनरेट कर सकता है और इसकी क्वालिटी भी काफी बेहतर होती है चैट जीपीटी से। और ये फाउंडेशनल मॉडल इमेज भी जनरेशन कर सकते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही फाउंडेशनल मॉडल के बारे में देखेंगे जिसको डिफ्यूजन मॉडल कहा जाता है, और वो मॉडल यूज होता है इमेज जनरेट करने में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेक्स्ट जनरेशन होती है, कोड जनरेशन, इमेज जनरेशन पॉसिबल है, वीडियो जनरेशन पॉसिबल है, बट जो आज मॉडल हम देखेंगे जिस पे हम काम करेंगे वो इमेज जनरेट करेगा यूजिंग अ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। तो सो फार हमने क्या लर्न किया? हमने लर्न की रिलेशनशिप बिटवीन एआई एंड जेनरेटिव एआई। हमने देखा कि मशीन लर्निंग सब ब्रांच है एआई की, और फिर मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट अल्गोरिदम्स हैं। अगर आपने कोई बेसिक कोर्स मशीन लर्निंग का लिया हो तो आपने लर्न किया होगा अबाउट लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीशन ट्री। फिर हमारे पास एडवांस अल्गोरिदम्स हैं लाइक न्यूरल नेटवर्क, और न्यूरल नेटवर्क में हमने लर्न किया जब एक से ज्यादा हमारे पास हिडन लेयर है, तो उस वक्त हम उस लर्निंग को डीप लर्निंग कहते हैं। और जेनरेटिव एआई के सारे टूल्स डीप लर्निंग अल्गोरिदम यूज कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमने फाउंडेशन मॉडल और टिपिकल मशीन लर्निंग मॉडल का डिफरेंस देखा कि टिपिकल मशीन लर्निंग मॉडल क्लासेस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, नंबर्स, वेयर इज फाउंडेशनल मॉडल नया कंटेंट जनरेट करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग चैट जीपीटी से अवेयर हैं बट उनको दूसरे प्लेटफॉर्म्स के बारे में नहीं पता। तो चैट जीपीटी मेरे ख्याल से सबको ही पता है चैट जीपीटी के बारे में। मुझे जेमिनाई गूगल की तरफ से है, मगर मुझे पता नहीं है कि ये पाकिस्तान में अवेलेबल है कि नहीं है। फॉर नाउ जेमिनाई कैनेडा में अवेलेबल है, यूएस में अवेलेबल है, बट कैनेडा में कुछ चीजों की रिस्ट्रिक्शन है, तो आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अवेलेबल इन पाकिस्तान और नॉट। मैम सॉरी टू अवेलेबल है इंटरप्ट, मैम अवेलेबल है। और मैम हमने रिसेंटली अभी अवेलेबल एक हैकाथन में पार्टिसिपेट किया था, उसमें हमने इसके एपीआईस को यूज़ करके हमने हैक्स बनाए थे। ओके अमेजिंग ओके ओके सो जेमिनाई मुझे चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी ने अभी अपना चैट जीपीटी 4 3 दिन पहले रिलीज किया है। उससे पहले मुझे चैट जीपीटी की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगती थी रिजल्ट्स की। जेमिनाई ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स देता है। फिर क्लाउडी एआई है। इन सब के लिंक्स यहाँ पर मैंने शेयर किए हुए हैं और आई होप कि स्लाइड्स आपके साथ शेयर होंगी, तो आप खुद जाके इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने सारी इंफॉर्मेशन कोशिश की कि स्लाइड्स पे पुट कर दूं, फिर आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्लाउडी एआई भी एक टूल है, ये भी टेक्स्ट टू टेक्स्ट टूल है। एक चीज जो मैं यहाँ एम्फोसाइज करूंगी कि अगर आप नोटिस करें, चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लाउडी एआई, ये तीनों टेक्स्ट टू टेक्स्ट जेन एआई टूल हैं। इसका मतलब क्या है कि आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में डालते हैं, प्रॉम्प्ट बॉक्स में आप टेक्स्ट इनपुट देते हैं और ये टेक्स्ट ही जनरेट करते हैं। आपने अगर देखा हो कि कभी ये इमेजेस भी देते हैं मगर वो इमेज ये खुद जनरेट नहीं करते, ये इमेज कहीं से इंटरनेट से लेके और आपको वो इमेज नजर आएगा एज इज। ऐसा ये कि जैसे आपने कोई इमेज इंटरनेट से उठाया और अपनी प्रेजेंटेशन में डाल दिया। तो चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लाउडी एआई, ये टेक्स्ट टू टेक्स्ट जेन एआई टूल्स हैं। देन हमारे पास डेली टू है। डेली टू कनाडा में लास्ट ईयर तक जिन्होंने साइन अप कर लिया उनके लिए फ्री था, अब फ्री नहीं है एनीमोर, मगर आप चेक कर सकते हैं। डेली टू टेक्स्ट टू इमेज जेनरेशन टूल है। तो आप अपनी प्रॉम्प्ट एज अ टेक्स्ट एंटर करेंगे और ये आपके लिए इमेज जेनरेट करेगा। ऐसा ही एक दूसरा टूल है स्टेबल डिफ्यूजन, और मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करूंगी कि कैसे स्टेबल डिफ्यूजन है, और फिर हम इसी स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल को
यूज करेंगे हगिंग फेस में खुद अपना बैकएंड बनाने के लिए. स्टेबल डिफ्यूजन टेक्स्ट टू इमेज मॉडल है. आप टेक्स्ट एज अ प्रॉम्प्ट डालेंगे और ये आपके लिए इमेज जेनरेट करेगा. देन हमारे पास जेन टू है, जो ये टेक्स्ट इमेज वीडियो सब कुछ कर सकता है. तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो क्लिप बनानी है, इसकी वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं बनती स्पेशली फ्री वर्जन में. आप टेक्स्ट एज अ प्रॉम्प्ट डालें और कोई भी टेक्स्ट डालें वीडियो जनरेट करने के लिए. जो फ्री वर्जन अवेलेबल है वो आपको 4 सेकेंड्स की फ्री वीडियो जनरेट करके देगा. फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं कि समवन लाइक अ स्टूडेंट सिटिंग इन अ यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान टेकिंग अ क्लास, कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हैं और वो 4 सेकेंड्स की आपको वीडियो जनरेट करके देगा. इसी तरह पिक्ट्री एआई है, ये बहुत ही अच्छा टूल है अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं. इसमें बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. ये वीडियोस क्रिएट कर सकता है फ्रॉम टेक्स्ट और काफी इसकी अच्छी क्वालिटी भी रहती है. इवन अगर आपने देखा हो, स्पेशली अगर आप में से कोई यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोस पोस्ट करते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, तो इसमें आप वीडियो जनरेट कर सकते हैं और वीडियोस में आप अपनी अपनी वॉइस भी यूज कर सकते हैं. जैसे इंस्टाग्राम में आप कोई बैकग्राउंड वॉइस कहीं और से यूज कर सकते हैं, इसमें आप अपनी भी यूज कर सकते हैं. तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. मैं आपको स्टेबल डिफ्यूजन दिखाऊंगी. अगर आप इस क्लिक पे लिंक पे क्लिक करें तो इट विल टेक यू टू दिस स्टेबल डिफ्यूजन. आपको लॉग इन होने के लिए साइन अप करना पड़ेगा. आप गूगल अकाउंट यूज करके साइन अप कर सकते हैं. फॉर नाउ आप फॉलो ना भी करें, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रही हूँ कि वंस आप स्टेबल डिफ्यूजन के पेज पे हैं और आपने साइन अप कर लिया या लॉग इन कर लिया अपने गूगल अकाउंट से. यहाँ पे मैंने टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया है, एन इमेज ऑफ अ गर्ल विद अ पाकिस्तानी फ्लैग. वंस मैंने प्रॉम्प्ट दी और क्लिक किया यहाँ जनरेट पे, यहाँ आप देख सकते हैं काफी अच्छी क्वालिटी की इसने वीडियो जनरेट की है. और इसकी क्वालिटी आपको डिफरेंस बाद में पता चलेगा जब हम अपना खुद स्टेबल डिफ्यूजन का प्री ट्रेन मॉडल यूज करेंगे, तो उसकी क्वालिटी इस इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी यहाँ पे क्वालिटी है. तो ये एक ऐसा जेनरेटिव एआई टूल है जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लेके इमेज जेनरेट कर रहा है. ओके, सो ये कुछ टूल्स थे जो मैंने डिस्कस किए. यहाँ पे डिफरेंट जेन एआई टूल्स थे, कुछ टेक्स्ट टू टेक्स्ट हैं, कुछ टेक्स्ट टू इमेज हैं, कुछ टेक्स्ट टू वीडियो हैं. और आप ये भी देखें, आप इसको एक्सप्लोर करें खुद से, ऐसे भी पॉसिबल है कि आप कुछ इमेजेस दें और वो इमेजेस कंबाइन करके नई वीडियो जनरेट होगी. तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये बहुत अच्छे टूल्स हैं. और इसके अलावा कुछ दिन पहले गूगल वालों ने अपनी आईओ कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी नई टूल्स की बारे में बताया. वो अभी सब रिलीज नहीं हुई. वंस मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं ये मुस्कान से शेयर करने से पहले इसमें वो सारी लिंक्स भी डाल दूँ. वो अभी सब रिलीज नहीं हुई, बट वो बहुत ही अमेजिंग जेन एआई टूल्स हैं. जैसे आप अपनी फोन की कैमरा यूज करके सॉरी फोन यूज करके और वो ऐप यूज करके पूछ सकते हैं कि कोई भी चीज दिखा के कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस थिंग. तो वो आपको बताएगी, रिस्पॉन्ड करेगी कि कैसे किस चीज का क्या फंक्शन है. मैं उनके लिंक्स ऐड कर दूंगी यहाँ पे. तो ये सारा अब तक जो हमने देखा वो डिफरेंट टूल्स थे, डिफरेंट जेन ए आई टूल्स थे. अब हम हगिंग फेस के बारे में देखेंगे कि हगिंग फेस है क्या. हम खुद से एक ऐसा टूल बनाना चाह रहे हैं, बट इस ऐसे टूल के लिए हमें सबसे पहले बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा सेट चाहिए जिससे हम अपने मॉडल को ट्रेन करें. अगर आपने कभी भी कोई मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड किया हो, तो जैसे ही आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है वो होता है आपके डेटा सेट के लिए, कि कहाँ से आपके पास डेटा आए. और जेनरेटिव एआई टूल के लिए हमें बहुत बड़ा लार्ज डेटा सेट चाहिए. तो हम
खुद से अपना मॉडल बिल्ड नहीं करेंगे। जो आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम एक प्री ट्रेन्ड मॉडल यूज करेंगे, और उसके लिए हम हगिंग फेस यूज करेंगे। हगिंग फेस एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, एक पूरी कम्युनिटी है जो आपके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क को इजी कर देती है। अगर आपने कभी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में नहीं सुना, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक ब्रांच है मशीन लर्निंग की, जो हेल्प करती है आपको कंप्यूटर को नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम पहले सिर्फ प्रोग्राम्स लिखते थे कि कंप्यूटर हमें अंडरस्टैंड कर सके, अब कंप्यूटर उस पॉइंट पे आ गया है कि वो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर रहा है। तो ये सारा पॉसिबल हुआ है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में एडवांसमेंट की वजह से। तो हम हगिंग फेस लाइब्रेरी यूज करेंगे, वहां हमारे पास प्री ट्रेन्ड मॉडल है। अगर आपने पहले कभी प्री ट्रेन्ड मॉडल के बारे में नहीं सुना, तो जैसे आप खुद अपने मॉडल्स बिल्ड करते हैं उनके लिए आपके पास डेटा होता है, और आप बॉर्ड मॉडल्स बिल्ड करते हैं कोई भी एल्गोरिदम यूज करके, यहाँ ये मॉडल्स ऑलरेडी बिल्ट हैं, पहले से डेटा यूज हुआ हुआ है, तो हमें ना डेटा की फिक्र है ना हमें मॉडल बिल्ड करने की फिक्र है, हम सिर्फ उन प्री ट्रेन्ड मॉडल को यूज करेंगे। हगिंग फेस, अगर आप पहले कभी नहीं गए, हगिंग फेस आपने नहीं देखा, तो हगिंग फेस की ये वेबसाइट है huggingface.co। इसको यहाँ पे डिफरेंट आपके पास मॉडल्स हैं। सबसे पहले इसको यूज करने के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा। आप अपनी गूगल की आईडी यूज कर सकते हैं इस पे साइन इन करने के लिए, या आप नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वंस आप हगिंग फेस पे जाएंगे, यहाँ आपके पास डिफरेंट प्री ट्रेन मॉडल हैं, और हम ऐसे ही एक प्री ट्रेन मॉडल यूज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर विजन मॉडल्स हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल्स हैं, फिर डिफरेंट डेटा सेट्स हैं। आप इन डेटा सेट्स को यूज कर सकते हैं अपने मॉडल्स बिल्ड करने के लिए। अगर आप स्पेसिस पे क्लिक करें, तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो ऑलरेडी बिल्ट हुई हुई हैं। हगिंग फेस पे जो चीज हम यूज करेंगे वो तो फ्री है, बट कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि आप यूज कर सकते हैं अपना पेड अकाउंट लेके। बट इनिशियली आप हगिंग फेस को फॉर फ्री यूज कर सकते हैं। आप मॉडल्स में जाके बहुत सारे मॉडल्स देख सकते हैं, डेटा सेट में जाके डेटा सेट देख सकते हैं, और उनको यूज कर सकते हैं अपने मॉडल्स बिल्ड करने के लिए। तो जो मॉडल हम यूज करेंगे आज वो है इमेज टू सॉरी टेक्स्ट टू इमेज मॉडल। हम बाद में जाके मैं आपको दिखाऊंगी वो कौन सा मॉडल है, बट फॉर नाउ हगिंग फेस के बारे में देखते हैं। यहाँ एक हगिंग फेस का मैंने कोर्स लगाया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट लर्नर्स हैं, कुछ ने पहले से हगिंग फेस यूज किया हुआ होगा, कुछ के लिए हगिंग फेस बिल्कुल न्यू होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हगिंग फेस का ये डीप लर्निंग डॉट AI पे फ्री कोर्स है हगिंग फेस पे, आप चेक कर सकते हैं कि हगिंग फेस क्या है, कैसे यूज होता है। हम एक टेक्स्ट टू इमेज मॉडल यूज करने जाएंगे बिल्ड करने, और यहाँ पे प्री ट्रेन मॉडल्स हैं हगिंग फेस पे, और ना सिर्फ एक मॉडल है, मल्टीपल प्री ट्रेन टेक्स्ट टू इमेज मॉडल हैं। और उसका मतलब क्या है कि आपने टेक्स्ट डाला प्रॉम्प्ट में जिस भी चीज का आप इमेज चाह रहे हैं, और वो इमेज जनरेट करेगा। तो ये हगिंग फेस के बारे में था। हगिंग फेस के बारे में हमने ये लर्न किया कि ये कम्युनिटी है ओपन सोर्स, और यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स प्री ट्रेन मॉडल्स हैं, डेटा सेट्स अवेलेबल हैं, और हम यहीं से आज एक प्री ट्रेन मॉडल यूज करेंगे। देन जब हम ये बिल्ड करेंगे अपना प्री ट्रेन मॉडल, उसमें हमें दो चीजों की नॉलेज रिक्वायर्ड होगी, एक है ट्रांसफॉर्मर और दूसरा है डिफ्यूजर। तो ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर एक टाइप है न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर की, जिसकी वजह से इतनी सारी एडवांसमेंट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में पॉसिबल हुई। ट्रांसफॉर्मर, जैसे हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, आप टेक्स्ट लिखते हैं, अब उस टेक्स्ट को
कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने में ट्रांसफार्मर एक ऐसा एल्गोरिदम है जो उसको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में. आप चैट जीपीटी में कुछ अपनी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालते हैं और वो आपको जनरेट करके देखता है. कभी कभी वो जो जनरेट करता है उस टेक्स्ट का इतना सेंस नहीं बन रहा होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स काफी अच्छा रिजल्ट आता है. तो ये जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ट्रांसफार्मर्स की वजह से पॉसिबल है. फॉर नाउ हम डिटेल में नहीं जाएंगे ट्रांसफार्मर की, बट हम ये याद रखेंगे कि ट्रांसफार्मर एक न्यूरल नेटवर्क है और वो लर्न करता है कॉन्टेक्स्ट से, और उसी की वजह से हमारे पास जो टेक्स्ट या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं चैट जीपीटी की वजह से, उसी ट्रांसफार्मर मॉडल की वजह से पॉसिबल है. अगेन अगर आप इंटरेस्टेड हैं ट्रांसफार्मर के बारे में और ज्यादा लर्न करने के लिए, तो आप यूट्यूब की ये वीडियो वॉच कर सकते हैं. ओके, देन वी हैव डिफ्यूजन मॉडल. ओके, किसी को अभी तक कोई क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चंस हैं, ओके अब्दुल्ला, क्योंकि बाय द टाइम हम लोग एंड तक पहुंचेंगे मुझे पता है सारे क्वेश्चंस सब भूल चुके होंगे, और मेरे लिए इतना बोरिंग प्रोसेस है वन वे नॉलेज डिलीवर करने का. तो अब्दुल्ला आप क्वेश्चन कर सकते हैं. मैम, मेरा एक ही क्वेश्चन है, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दो क्वेश्चन। पहले तो मेरी आवाज़ सही आ रही है? ठीक जी आपकी आवाज सही आ रही है. है। दूसरा क्वेश्चन मैम ये है कि आपने जो भी चीज़ बताई इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। तो जो दूसरा सवाल, उसके दो सब क्वेश्चन हैं। पहला तो था कि जो आपने एक चार्ट शो किया था, तो मेरी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है डेटा साइंसिस के बारे में, तो वो ये थी कि एआई जो है इज बेसिकली सिटिंग ऑन द टॉप, और उसके अंदर आपका सारे के सारे एल्गोरिथम्स वगैरह आते हैं, जिस वजह से आपका मशीन लर्निंग हो गया। तो मैं पूछना चाहता कि सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग भी आता है के अलावा और भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स आते हैं, कि न्यूरल नेटवर्क जो है वो बेसिकली इट्स नॉट, मतलब कि मशीन लर्निंग तो उसको मशीन लर्निंग तो है, लेकिन वो रिग्रेशन या फिर उसमें रिग्रेशन टाइप में तो नहीं आएगा न्यूरल नेटवर्क, तो इट्स टोटली डिफरेंट, नहीं. राइट? अच्छा, तो आप इस अब्दुल्ला आप इस वाले चार्ट के बारे में बोल रहे हैं, ये वाला? ओके, एग्जैक्टली जी मैम। तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है. न्यूरल नेटवर्क जो है वो मशीन लर्निंग के अंडर आता है. आप देख सकते हैं ये जैसे वेन डायग्राम है, तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये सारी चीजें हैं. ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बिग अम्ब्रेला है, उसके अंदर हमारे पास मशीन लर्निंग है. मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे अल्गोरिदम्स हैं. ठीक है, फिर उसी में हमारे पास मशीन लर्निंग है. मशीन लर्निंग एक सब फील्ड है, और उसमें फिर मशीन लर्निंग के डिफरेंट अल्गोरिदम्स हैं. लॉजिस्टिक रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन जो भी आप बोल रहे हैं वो एक मशीन लर्निंग का अल्गोरिदम है. इसी तरह न्यूरल नेटवर्क भी एक अल्गोरिदम है मशीन लर्निंग का. ठीक है, और जब न्यूरल नेटवर्क ही, आप ये बोल सकते हैं अगर आपको डिफिकल्टी है अंडरस्टैंड करने में, न्यूरल नेटवर्क की एक स्पेशल टाइप है डीप लर्निंग. ठीक है, तो डीप लर्निंग खुद भी मशीन लर्निंग की ही सब ब्रांच है. तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ी एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर हमारे पास मशीन लर्निंग है. मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग है, उसमें न्यूरल नेटवर्क की एक स्पेशल टाइप है डीप लर्निंग. और अगर आपका क्वेश्चन ये है कि रिग्रेशन और न्यूरल नेटवर्क डिफरेंट है, तो हाँ डिफरेंट अल्गोरिदम्स हैं, बहुत सारे अल्गोरिदम्स हैं हमारे पास मशीन लर्निंग के, जैसे डिसीशन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है, जी लॉजिस्टिक रिग्रेशन है. इसी तरह हमारे पास न्यूरल नेटवर्क एक अल्गोरिदम है मशीन लर्निंग का. और फिर जब न्यूरल नेटवर्क में एक से ज्यादा हिडन लेयर होती है, और इन अदर वर्ड्स एक स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क को हम डीप लर्निंग कहते हैं. और फिर डीप लर्निंग जिसके अंदर जेनरेटिव एआई है, और वो क्यों है, क्योंकि जेनरेटिव एआई में हम सिर्फ डीप लर्निंग की टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं या न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं, कोई और अल्गोरिदम नहीं यूज कर रहे होते. ठीक है मैम, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। सेकेंड सवाल है वो सब क्वेश्चन है, वो ये है
कि जो क्वालिटी मेट्रिक्स होते हैं आपके, जिस तरह से आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर होता है, ये तो आपके मॉडल की कितनी अच्छी क्वालिटी है वो बताते हैं, लेकिन वो इन आपको मॉडल टर्म्स को इवेल्युएट करते हैं, वो जी मॉडल अब्दुल्ला वो इवेल्युएट होता है आपका मॉडल। इवैल्यूएट होता है, लेकिन मैम कोई ऐसा टूल हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर है जो कि ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सके, यानी कि जो मेरा जवाब है वो कितना अच्छा है, यानी कि उसको मेजर करने का कोई तरीका होता है, मैंने कि मॉडल का नहीं जिससे आप जवाब का? जो आपका जवाब, जैसे जब आप मॉडल बिल्ड करते हैं ना, तो आप जो मॉडल को इवेल्युएट करते हैं वो आपका जवाब ही देख रहा होता है ना। आपका मॉडल जब आप मॉडल बिल्ड करते हैं तो आप अपने डेटा को टेस्टिंग और ट्रेनिंग डेटा में स्प्लिट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। करते हैं आपने उसको ट्रेन किया, मॉडल बिल्ड किया, तो जो आपकी इवेल्युएशन चल रही होती है मॉडल की, वो आपके अनसीन डेटा, जो आपका टेस्टिंग डेटा है, वो उसने आपको कैसा रिजल्ट दिया, उसने आपको कैसी प्रेडिक्शन दी, वो सही था नहीं था, उसी के बेस पे आप इवेल्युएट करते हैं। तो वो आपका जवाब, इनिशियली जो आपने मॉडल बिल्ड किया वो आपको कैसे जवाब दे रहा है, उसी के बेस पे आपकी इवेल्युएशन होती है। मैंने आपने कहीं मॉडल का इनिशियल डेटा स्प्लिट कर दिया, एक डेटा था जो मॉडल ने कभी देखा ही नहीं है, एक एग्जैक्टली डेटा था जिसपे आपने मॉडल को ट्रेन कर दिया। अब बिल्कुल जब आप उसको इवेल्युएशन कर रहे हैं ना, और वो इवेल्युएशन के डिफरेंट मेजर्स हैं, आप जब इवेल्युएट करते हैं मॉडल को, वो आपका अनसीन डेटा पे आपके जवाब के बेसिस पे इवेल्युएट करता है। जी मैम, टेस्ट ट्रेन और प्रोडक्शन, या ट्रेन टेस्ट और प्रोडक्शन, आप उनको लेकिन मेरे सवाल तो चलते रहेंगे मैम, मैं दूसरों को मौका देना चाहूंगा, आखिरी एक सवाल है लेकिन वो अपना बिल्कुल आखिर में छोड़ दूंगा मैं, तो थैंक यू सो मच मैम। वेलकम अतला जी। अनस मैम मेरा एक मेरे क्वेश्चन स्क्रीन में, था, अनस नेक्स्ट है इसलिए मैं अनस से पूछ रही हूँ। जी मैम मेरा क्वेश्चन था कि जनरेटिव एआई में जो हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा देते हैं तो उसको ट्रेन करने के लिए कौन से एल्गोरिथम जो है वो यूज होते हैं, क्योंकि बेसिकली मशीन लर्निंग में ज्यादातर जो डाटा हम ट्रेन कर रहे होते हैं वो स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। उसके लिए न्यूरल नेटवर्क यूज होते हैं, और न्यूरल नेटवर्क की डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जैसे जे एन, अगर आपने कभी सुना हो, वो न्यूरल नेटवर्क है। हम जैसे ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, वो न्यूरल नेटवर्क है। वो सारे डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स हैं जो हम यूज करते हैं जेनरेटिव एआई के फाउंडेशनल मॉडल्स को बिल्ड करने के लिए। आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसको ऐसे देख सकते हैं कि हम जब मशीन लर्निंग मॉडल्स बिल्ड करते हैं तो हमारे पास डेटा होता है और कोई अल्गोरिदम होता है। अब वो अल्गोरिदम लीनियर रिग्रेशन हो सकता है, डिसीजन ट्री हो सकता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन हो सकता है। वो हम सारे अल्गोरिदम्स यूज करते हैं मॉडल बिल्ड करने के लिए, ठीक है। अब जब जेन एआई है तो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, और फिर आपका क्वेश्चन है कि हम अल्गोरिदम कौन से यूज करेंगे, क्योंकि जेन एआई में हम लीनियर रिग्रेशन या हम सपोर्ट वेक्टर मशीन तो नहीं यूज कर रहे। तो वो जो आप अल्गोरिदम यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क के, न्यूरल नेटवर्क सिर्फ एक ही न्यूरल नेटवर्क नहीं है, न्यूरल नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिफरेंट अल्गोरिदम्स हैं, और हम वो यूज करते हैं वो फाउंडेशनल मॉडल बिल्ड करने के लिए। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, और फिर न्यूरल नेटवर्क के डिफरेंट अल्गोरिदम्स हैं जो हम यूज करते हैं फाउंडेशनल मॉडल बिल्ड करने के लिए, और थैंक ट्रांसफॉर्मर्स भी उन्हीं में से एक अल्गोरिदम है। यू। कोई और? समीर आपको क्वेश्चन? मेरे ख्याल से सईद आप पहले थे। जी जी मैम, मैम मेरा क्वेश्चन मेरे फैलो से बिल्कुल अपोजिट है। बेसिकली मैं इंटरमीडिएट लेवल एमएल इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ, तो मैंने बेसिकली जैसे फैलोज ने ऑलरेडी बात की है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, मैंने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पे काम किया हुआ है। अब क्योंकि अगर हम आज के दौर में टेक्नोलॉजी की बात करें तो मोस्टली जो टास्क हो रहे हैं वो जनरेटिव एआई के थ्रू हो रहे हैं, तो जी जो रोल है मशीन लर्निंग का वो तकरीबन क्लोज होता जा रहा है, या मैं इसे कहता हूँ कि ये ख़त्म होता जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि मशीन लर्निंग के जो काम था
उसमें जो एक्यूरेसी आती थी 90 या 95%, लेकिन जो जेनेटिव एआई है उसने ओवरकम कर दिया है, और दूसरा टाइम, लेस टाइम इसमें कंज्यूम हो रहा है। फिर जब डीप लर्निंग की बात आती है, तो डीप लर्निंग बेसिकली जो है उस पे भी अब, क्योंकि चाहे हम कंप्यूटर विजन यानी कि इमेज टू इमेज या टेक्स्ट टू इमेज या टेक्स्ट टू वीडियो, ये जनरेशन हो रही है, या जो जैसे आजकल लॉन्गचेन और रैग का वर्क हो रहा है, NLP और ये सारी चीज़ें, तो क्योंकि अब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग तकरीबन जो है बिग टेक के अंदर या ओवरऑल जो वर्क होता है, चाहे वो हम मेडिकल के अंदर देखें, तो वो तकरीबन अब सम अप हो चुका है। अब प्रॉब्लम ये फेस हो रही है मुझे रियल रियल टाइम काम करते हुए, वो ये हो रही है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग तक तो हम गुड हैं, वेल गुड, ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या फेलोज हैं वो यहाँ सीख भी रहे हैं। अच्छा, जब बात आती है जनरेटिव एआई की, आज मशीन लर्निंग की हायरिंग या मशीन लर्निंग का जो एक स्कोप है वो लेस हो रहा है, और जनरेटिव एआई या जेन एआई जो इंजीनियर हैं उनका रोल जो है वो बढ़ रहा है डे बाई डे। तो मेरा मैम आपसे क्वेश्चन यह है कि अब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग तक, चाहे हम मशीन लर्निंग क्लासिफायर या क्लासिकल मॉडल की बात करें, डीप लर्निंग में चाहे हम CNN, VN ट्रांसफार्मर और इनकी बात करें, अगर अब हम जब हम इसकी बात कर रहे हैं जेनेटिव AI में, अब मुझे यहाँ पे कोई सोर्स या कोई पाथ नहीं मिल पा रहा रियल टाइम पे काम करने, ताकि हम अपने आप को थोड़ा सा बिल्ड कर सकें, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकें, नेक्स्ट टूल को यूज कर सके, यूज इतना तो आइडिया है कि यूज हम कर सकते हैं, इनफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है या जो भी, सो दैट, लेकिन इसके लिए कुछ सोर्सेज आप मैम थोड़ा सा गाइड कर सकती हैं कि हम अगर हमें नॉलेज है मशीन लर्निंग का और डीप लर्निंग का, तो हम जेनेटिव एआई की तरफ थोड़ा सा मूव कर सकें। थैंक यू मैम। सो सईद, आपका क्वेश्चन ये है कि कैसे आप ऑनलाइन रिसोर्सेस यूज कर सकते हैं जेनरेटिव एआई के प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए, ये है आपका क्वेश्चन? जी बिल्कुल, उसकी रीजन मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन उसकी रीजन मैं यह है समझ कि रही हूँ आपका जी क्वेश्चन, आप कहना जी ये चाह रहे हैं कि पढ़ा मशीन लर्निंग रहे हैं और जॉब पोस्टिंग्स में जेनरेटिव एआई या जॉब्स वर्क प्लेसेस पे जेनरेटिव एआई यूज किया जा रहा है, ये सवाल है ना आपका? जी बिल्कुल मैम, उसमें मैं थोड़ा सा इशू है कि मैं इस वक्त जो कंपनी में काम कर रहा हूँ वो भी यूएसए बेस्ड कंपनी है। अब अच्छा प्रॉब्लम ये होता है कि जी जब वहाँ पे काम, वो कहते हैं मशीन लर्निंग का मतलब कि जो हमारे पास चाहे इंटरव्यू हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, लेट्स गो। अच्छा, जब काम होता है वो जेनेटिव एआई का होता है, तो वो काफी सारी चीजें फिक्सेस करनी, तो इसलिए मैं वो सोर्सेज या इसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं या कैसे अपनी जो है लर्निंग को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो थैंक यू। ओके। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये प्रॉब्लम पाकिस्तान का नहीं है, ये यहाँ पे भी जेनरेटिव एआई, जो प्रोग्राम जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, ये प्रोग्राम इन्होंने, जैसे मैंने शुरू में इंट्रोड्यूस कराया, एमी हमारे पास एक मशीन लर्निंग की इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और उसके कोलेबोरेशन से ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, और प्रोग्राम इतना न्यू है कि 2022 के बिगनिंग में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, और वो सारा जो सारा करिकुलम है वो नई टेक्नोलॉजीज के बेस पे बनाया गया। बट उसके बाद 2022, लेट 2022 में जब ChatGPT आया और सारी चीजें जेनरेटिव एआई की तरफ शिफ्ट हो गई, तो आप देखें स्टूडेंट्स को आप फौरन बगैर मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन दिए हुए जेनरेटिव एआई पे नहीं लेके जा सकते, आपको एक मशीन लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जेनरेटिव एआई को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अगर हमारे पास ये नॉलेज गैप है फॉर नाउ, तो ये नॉलेज गैप यहाँ पर भी है। मैं इवन अपने स्टूडेंट्स को, मैंने एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट करवाया था लास्ट टर्म में, बट स्टूडेंट्स हमारे पास कोर्स में जेनरेटिव एआई कोर्स में का पार्ट नहीं है, वो अलग से उनको इंट्रोडक्शन देना पड़ा। तो अगर पाकिस्तान में आप लोग ये चीज फेस कर रहे हैं कि आपको जेनरेटिव एआई पढ़ाया नहीं जा रहा और मार्केट में जेनरेटिव एआई यूज हो रहा है, तो हमारे पास भी यही सेम सिचुएशन है। मेरे ख्याल से ये ट्रांजिशन का पीरियड है, और एक साल के या कुछ सालों में सारी चीजें फिर अपडेट हो जाएंगी सब जगह पे। मगर फिर सवाल ये है कि मशीन लर्निंग पढ़ाई जा रही है और मार्केट में वर्क प्लेस पे जेनरेटिव एआई यूज हो रहा है, तो आज जो हम मॉडल बिल्ड करेंगे वो प्री ट्रेन मॉडल होगा, बट वो भी जेनरेटिव एआई का ही मॉडल होगा। मैंने आपको हगिंग फेस दिखाया है,
आप अपने खुद भी वहां जाके देख सकते हैं प्री ट्रेन मॉडल पे। अगर आप कोई अपना मॉडल बिल्ड करना चाह रहे हैं खुद से जेनरेटिव एआई का, तो ये याद रखें आपको उसके लिए डेटा सेट चाहिए जो ह्यूज डेटा सेट हो, और फिर उसके लिए आपको कुछ क्लाउड की नॉलेज और क्लाउड पे एक्सेस चाहिए, जैसे AWS है, एज्योर है, तो वो सारी चीजें हैं। बट अगर आप चाहें जैसे हम आज हगिंग फेस यूज करेंगे, आप लोग हगिंग फेस पे प्री ट्रेन्ड मॉडल देख सकते हैं। मैं एक और काम कर सकती हूँ कि मैं अपनी स्लाइड्स में, अभी मैंने ऐड नहीं किया हुआ, मैं अपनी स्लाइड्स में ऐसी रिसोर्सेज देख सकती हूँ कि आप कैसे अपना मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बिल्ड करें। बट उसके लिए आज़ाहिर आपको क्लाउड वगैरह की भी नॉलेज चाहिए होगी। सही, मैंने आपका क्वेश्चन आंसर किया। आज हम देखेंगे एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, बट वो प्री ट्रेंड होगा। जी मैम जी, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। हम खुद से स्क्रैच से डेवलप तो नहीं कर सकते, हम फाइन ट्यून ही कर सकते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। तो मेरे ख्याल में हम बेस्ट आज फाइन ऑप्शन यही ट्यून है। नहीं करेंगे, हम फाइन ट्यून नहीं करेंगे, बट हम सिर्फ प्री ट्रेन मॉडल अच्छा यूज अच्छा करेंगे, अच्छा बट मैं फाइन ट्यून ओके की ओके रिसोर्सेज शेयर की हुई है मैंने। जी मैम। मैम वो थोड़ा सा मुझे वो रिसोर्सेस चाहिए थे, जी मैं मतलब शेयर करूंगी के रिसोर्सेस। जी। ओके थैंक यू मैम। मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगी समीर आपका, फिर हम क्योंकि 11:05 हो गए हैं, आपके पास 10:05 हो गए हैं, तो मैं आपका क्वेश्चन लूंगी समीर, और फिर हम मूव करेंगे अपना मॉडल यूज बिल्ड करने में। ओके मैम, मैम मेरे ये सवाल था कि अब जैसे अब हम देखें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को, ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं है, जो हमारा जनरेटिव है ये सिर्फ टेक्स्ट के हद तक नहीं है, ये जनरेट करता है इमेजेस को भी, वीडियोस को भी, एवरीथिंग ऑलमोस्ट। सो इसके लिए हमें डेटा प्री प्रोसेसिंग भी तो आनी चाहिए ना इन एवरी फील्ड, लाइक इन मशीन लर्निंग हम टेबुलर डेटा के ऊपर भी ट्रेन करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स को, डीप लर्निंग इमेजेस को भी हम ट्रेन करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स को उनके ऊपर। तो आई थिंक हमें तो फिर सारों की प्रोसेसिंग, सारे डोमेन्स की नॉलेज होनी चाहिए। ये मेरा एक क्वेश्चन है। और दूसरा ये कि मैम अगर हम देखें कि जनरेटिव एआई में ऐसा होता है, जिन्हें अभी तक मैंने मॉडल यूज़ किए हैं, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि हम जो भी एक प्रॉम्प्ट देते हैं ना, सेम प्रॉम्प्ट का वो डिफरेंट आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, उसका उसने डिफरेंट आंसर दिया, दूसरे का डिफरेंट, तो इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है कि ये हमेशा डिफरेंट आंसर देता है? थैंक यू मैम। इसके पीछे समीर, पहले मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर करूंगी, फिर मैं वापस जाऊंगी कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन था क्या। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपने कभी प्रोबेबिलिटी का कोर्स लिया है स्टैटिस्टिक्स में, यस मैम। तो वो ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, और वो एक कॉम्बिनेशंस बनाता है। जब आप एक मेथड, जब आप जेनरेटिव एआई के टूल में आप उसको कह रहे हैं जेनरेट, आपने टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया, उसने कुछ जेनरेट किया कुछ कंटेंट, ठीक है, और वो जो जेनरेटिव एआई का आपका फाउंडेशनल मॉडल है वो एक स्टैटिस्टिकल मेथड्स के पर बेस्ड है, तो उसने आपको खुद डिफरेंट चीजों की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की और आपको कुछ जेनरेट करके दे दिया, और फिर आपने उसको बोला रीजेनरेट, तो मॉडल ने फिर से वो मॉडल रन हुआ और उसने फिर वो प्रोबेबिलिटीज को कंबाइन प्रोबेबिलिटीज को देखते हुए फिर से कुछ जेनरेट कर लिया। तो इसके पीछे आपकी स्टैटिस्टिक्स की थोड़ी नॉलेज हो तो आपको, जैसे हम स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी का कोर्स पढ़ते थे कि कैसे प्रोबेबिलिटीज होती हैं और फिर उन प्रोबेबिलिटीज को काउंट करके वो कोई चीज जेनरेट कर रहा है, क्योंकि देखें उसके पास हमारी तरह की इंटेलिजेंस तो नहीं है, मगर अगर आप देखें चैट जीपीटी काफी, या कोई भी ये जो जेनरेटिव एआई टूल्स हैं, ये काफी अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं आपको। तो उसमें जैसे मैंने कहा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए ट्रांसफॉर्मर्स यूज होते हैं, तो आप जब उसको रीजेनरेट करें तो वो मॉडल फिर से, वो एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, वो फिर से आपको उन प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करके एक नई चीज जेनरेट करके दे रहा है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको ऑप्शन भी आता है कि इज दिस वर्स और बेटर, और आपके फीडबैक के वो अपने मॉडल को फिर से उस नए डेटा पे ट्रेन करके वो उससे भी लर्न कर रहा है जो आपका फीडबैक होगा। तो आपका जो क्वेश्चन है कि वो क्यों रीजेनरेट कर रहा है, नया कैसे आ रहा है, तो वो इसलिए कि ये स्टैटिस्टिकल मेथड है, उन प्रोबेबिलिटीज की बेस पे वो फिर से नया, क्योंकि वो समझ रहा है कि जो पिछला उसने जेनरेट किया वो मे भी इतना अच्छा ना हो, तो वो फिर नया जेनरेट कर रहा है उन प्रोबेबिलिटीज की बेस पे। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर किया समीर, यस मैम। और आपका पहला क्वेश्चन क्या था? मैम ये था कि अब जैसे क्योंकि ट्रांसफॉर्मर ऑलमोस्ट हर चीज़ जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो जाए, इमेजेस हो,
तो जब भी हम ट्रेन करते हैं ट्रांसफॉर्मर को फाइन ट्यूनिंग या कस्टम डेटा पे ट्रेन करते हैं, तो उसके लिए हमें प्री प्रोसेसिंग तो करनी पड़ती है डेटा की। तो इस तरह तो हमें हर डोमेन का ही आइडिया होना चाहिए प्री प्रोसेसिंग के लिए। और प्री प्रोसेसिंग देखिए, जब नंबर्स होते हैं, अब डिफरेंट टूल्स हैं। जैसे अगर आपके पास जैसे आपके पास इमेजेस हैं, ठीक है, तो आप जिस तरह आप नंबर्स को प्री प्रोसेस करेंगे, उस तरह आप इमेजेस को प्री प्रोसेस नहीं करेंगे। जैसे अगर आपके पास नंबर्स हैं, तो आपके पास डिफरेंट फीचर इंजीनियरिंग की डिफरेंट स्टेप्स हैं। बट अगर आपके पास इमेजेस हैं, तो अब टूल्स हैं, जैसे योलो है, आपने वो योलो का टूल यूज किया और आपने इमेजेस के डिफरेंट बॉक्सेस बना लिए कि आपने फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे कैट्स एंड डॉग की एग्जांपल देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कैट्स हैं, आपने योलो का टूल यूज किया और बाउंडिंग बॉक्सेस बनाए कि ये कैट्स हैं इसमें से। हाँ, वो आपका क्वेश्चन, आपका सवाल सही है कि आपको डिफरेंट कैटेगरीज की प्री प्रोसेसिंग लर्न करनी पड़ेगी। बट बाकी सारी देखिए, आजकल इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं कि हर चीज इतनी डिफिकल्ट नहीं है, आपको हर चीज फ्रॉम स्क्रैच नहीं करनी। बट यस, आपका क्वेश्चन सही है, आपको डिफरेंट टाइप्स के डेटा को प्री प्रोसेस करने सीखना पड़ेगा। बट आप देखें तो वो कितना है, एक टेक्स्ट है, या आपके पास जैसे नंबर्स हैं, या आपके पास इमेजेस हैं, या आपके पास वीडियोज हैं, मगर हाँ उन सब की प्री प्रोसेसिंग आपको लर्न करनी पड़ेगी अगर आपको डील ओके मैम, करना है इनसे। तो ओके मैम, दानिश, आपका क्वेश्चन मैं बाद में लूंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया, हम थोड़ा सा आगे बढ़ें सबके टाइम को रिस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि किसी को अगर जाना हो तो वो जा सके। ठीक है दानिश, ओके, हम कहाँ थे? हम थे अपने हम हगिंग फेस पे थे। हमने देखा हगिंग फेस एक लाइब्रेरी है जहाँ डेटा सेट्स हैं, जहाँ प्री ट्रेन मॉडल्स हैं, और हमने देखा कि प्री ट्रेन मॉडल्स का मतलब यह है कि डेटा, जैसे आपने डेटा प्री प्रोसेसिंग की बात की, तो हमें समीर हमें प्री प्रोसेस भी नहीं करना पड़ेगा डेटा, डेटा की फिक्र भी नहीं करनी पड़ेगी, डेटा पहले से है, मॉडल भी बिल्ड हुआ हुआ है, हम हगिंग फेस पे जाएंगे और वो प्री ट्रेन मॉडल यूज करेंगे। तो एक हमने ट्रांसफॉर्मर देखा, दूसरा हमने डिफ्यूजन मॉडल देखा। अब डिफ्यूजन मॉडल क्या है? ये भी एक जेनरेटिव मॉडल है, एक फाउंडेशनल मॉडल है। जैसे मैंने पहले आपको एक डायग्राम दिखाया कि हम जब भी टिपिकल मशीन लर्निंग मॉडल में मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करते हैं, मगर जब हम जेनरेटिव AI यूज कर रहे हैं, तो हम मॉडल को फाउंडेशनल मॉडल कहते हैं। तो हम वो स्टेबल, यहाँ जो हम अपना स्टेबल डिफ्यूजन देख रहे हैं, हम स्टेबल डिफ्यूजन यूज करेंगे जो एक टाइप है डिफ्यूजन मॉडल की। बट डिफ्यूजन मॉडल इटसेल्फ क्या है? डिफ्यूजन मॉडल एक फाउंडेशनल मॉडल है, और ये फाउंडेशनल मॉडल क्या करता है? ये जनरेट करता है इमेजेस। और जैसे हमने बाकी सारे मॉडल्स में देखा, एक किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल के लिए हमारे पास डेटा चाहिए उसको ट्रेन करने के लिए। अब जो डिफ्यूजन मॉडल्स हैं, जो इमेजेस क्रिएट करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम इसको बहुत सारे इमेजेस पे ट्रेन करें, हम इसको किसी नंबर्स पे या टेक्स्ट पे नहीं ट्रेन कर रहे हैं, हम इसको इमेजेस पे ट्रेन कर रहे हैं। तो डिफ्यूजन मॉडल जेनरेटिव मॉडल है जिसको हम ट्रेन करते हैं बहुत सारे इमेजेस पे। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो नए जेनरेट कर रहा है इमेजेस, ये नए इमेजेस हैं या ये कहीं से इंटरनेट से उठा के दे रहा है हमें इमेजेस? तो ये जो इमेजेस हैं, ये कंप्लीटली न्यू इमेजेस होते हैं। इसकी पूरी एक प्रोसेस है। और अगर आपने, आप में से किसी ने फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ा हो, मैथ का हमारा एक अप्लाइड मैथ का कोर्स होता है फ्लूइड डायनामिक्स, शायद आप में से किसी ने फिजिक्स में पढ़ा हो, तो फ्लूइड डायनामिक्स के कुछ लॉज होते हैं जो इसमें यूज होते हैं डिफ्यूजन मॉडल में। तो डिफ्यूजन मॉडल करता क्या है कि बहुत सारे इमेजेस पे ट्रेन होता है, और फिर पहले उसमें नॉइज ऐड करता है, फिर उसकी नॉइज रिमूव करता है वापस एक नए इमेज को जनरेट करने के लिए। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं, तो मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है। मगर फॉर नाउ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके पास रिमेम्बर करने के लिए, वो ये कि हम डिफ्यूजन मॉडल यूज करेंगे जो जेनरेटिव AI का मॉडल है, और इस मॉडल को बहुत सारे
इमेजेस पे ट्रेन किया जाता है और वो उन इमेजेस को लेके एक नया इमेज जनरेट करता है। अब डिफ्यूजन मॉडल में बहुत सारे मॉडल्स हैं, और आप हगिंग फेस पे अगर जाएंगे तो हगिंग फेस में भी आप हगिंग फेस में अगर आप जाएं, आपको लेके जाती हूँ वहां पे। एक हमारे पास हगिंग फेस में भी इमेज टेक्स्ट टू इमेज मॉडल्स हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट टेक्स्ट टू इमेज मॉडल्स हैं और स्टेबल डिफ्यूजन उनमें से एक मॉडल है। ये मैं लिंक शेयर कर सकती हूँ। आप इसमें जाके देख सकते हैं, हगिंग फेस का मैंने लिंक शेयर किया है। ये टेक्स्ट टू इमेज डिफरेंट मॉडल्स हैं जो हगिंग फेस पे अवेलेबल हैं, और स्टेबल डिफ्यूजन एक ऐसा ही मॉडल है जो आज हम यूज करेंगे, और ये एफिशिएंट है और यूज किया जाता है टेक्स्ट से इमेज जनरेट करने में। अगेन मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि मेरे पास एक गूगल कोलैब नोटबुक है, इसका लिंक यहाँ पे स्लाइड में शेयर हुआ हुआ है। फॉर नाउ हमें इतना टाइम नहीं है कि आप इसको फॉलो अलॉन्ग करें, मगर आप देखेंगे कि कुछ फ्यू लाइंस ऑफ कोड है, और उस फ्यू लाइन ऑफ कोड से आप खुद अपना एक टेक्स्ट टू इमेज जेनरेशन बैकएंड बना सकते हैं। अगर आपने कभी गूगल कोलैब नहीं यूज किया, अगर आपने जुपिटर नोटबुक यूज किया है मगर गूगल कोलैब नहीं यूज किया, तो आप जाके कोलैब डॉट रिसर्च डॉट गूगल डॉट कॉम पे जा सकते हैं, और यहाँ जाके आप साइन अप कर सकते हैं, या आप अपना गूगल का अकाउंट यूज कर सकते हैं। मैं इसकी भी लिंक यहाँ शेयर कर रही हूँ। यही तो आप इसमें जाके देख सकते हैं, ये नोटबुक है, और वंस आप नोटबुक खोलें तो आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले हमने इंस्टॉल किया डिफ्यूजर। एक रीजन जो हम गूगल कोलैब नोटबुक यूज करते हैं, उसका एक रीजन ये है कि यहाँ पे अगर आप रन टाइम पे जाएं, जैसे मेरे कंप्यूटर में सीपीयू है, मेरे पास जीपीयू नहीं है, मेरा प्रोसेसर सीपीयू है, और मॉडल्स बिल्ड करने के लिए आप यहाँ पे जाके रन टाइम पे जाके चेंज कर सकते हैं अपनी रन टाइम की टाइप। आप जीपीयू सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं गूगल कोलैब का फ्री वर्जन यूज कर रही हूँ, तो समटाइम्स मैं जब जीपीयू यूज करना चाहती हूँ, गूगल कोलैब के पास उस वक्त नहीं होता अवेलेबल और मुझे नहीं यूज करने देता, बट पेड वर्जन में आपको हमेशा यूज करने देगा। बट आप फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं मेरी तरह। अगर आप जीपीयू यूज करेंगे तो ये प्रोसेस को, आपके मॉडल की बिल्डिंग को फास्ट कर देगा। कभी कभी एक मॉडल बिल्ड करना जो जीपीयू से 2 मिनट लगते हैं, वो सीपीयू में 20 मिनट से ज्यादा लगते हैं। तो जीपीयू की वजह से एक रीजन है कि मैं गूगल कोलैब प्रेफर करती हूँ जुपिटर नोटबुक पे। ओके, सो कोई क्वेश्चन है किसी का बिफोर वी मूव ऑन, और हम देखें कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू हगिंग फेस या गूगल कोलैब नोटबुक? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, ये गूगल कोलैब का काइंडली थोड़ा कर दीजिएगा, ये हम क्यों यूज करते हैं और इसके बेनिफिट्स वगैरह, मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा रिकैप दे दीजिएगा। अच्छा, गूगल कोलैब जो है ना, देखें गूगल कोलैब जो है वो क्लाउड पर है। अगर आपने सिर्फ जुपिटर नोटबुक यूज की हुई है तो जुपिटर नोटबुक आप अपने कंप्यूटर पे रन कर रहे होते हैं। गूगल कोलैब ऑन द अदर हैंड आप क्लाउड पे रन कर रहे हैं, मतलब आप जैसे मेरा, मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, आप ओपन हो जाएगा आपकी ये पूरा प्रोग्राम, और आप इजीली उसको क्लाउड पे रन कर सकते हैं। तो ये आपके अपने कंप्यूटर पे रन नहीं हो रहा, ये आपके क्लाउड पे रन हो रहा है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आप रन टाइम में जाके आप बजाय, क्योंकि जब आप जुपिटर नोटबुक को रन कर रहे हैं तो आपके अपने ही कंप्यूटर में, आपके पास अगर सीपीयू है, अच्छा प्रोसेसर नहीं है आपके पास, तो वो उसी में रन कर रहा होता है, और कभी कभी मशीन लर्निंग के मॉडल्स को बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है। अगर इवन अगर आप स्टूडेंट भी हैं और आप जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हैं, तो मॉडल्स को रन करने के लिए आपका अच्छा प्रोसेसर ना होने की वजह से बहुत टाइम लग रहा होता है। तो आप गूगल कोलैब यूज कर सकते हैं। इसमें आप जाके अपना
चेंज कर सकते हैं रन टाइम जीपी पे, और उस वजह से आपकी सारा प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। तो ये एक बेनिफिट है। जो मुझे डाउनसाइड लगता है, जो नुकसान लगता है गूगल कोलैब का, उसमें ये कि आपके पास हर दफा जो है ना आपको डेटा सेट अपलोड करना पड़ता है। जैसे अगर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी तो हम क्योंकि प्री ट्रेन मॉडल यूज कर रहे हैं तो हमें उस चीज की फिक्र नहीं करनी, बट जब आप अपना मॉडल बिल्ड कर रहे हैं और आपको डेटा यूज करना है, तो एवरी टाइम आप रन करेंगे प्रोग्राम, आपको इस पे जाके अपना डेटा सेट फिर से अपलोड करना पड़ेगा। तो ये है डाउनसाइड गूगल कोलैब का। अदरवाइज गूगल कोलैब में क्योंकि क्लाउड पे है और बहुत सारी चीजें प्री इंस्टॉल्ड हैं इसमें, तो आपको जाके कभी कभी जुपिटर नोटबुक पे वो नई लाइब्रेरीज और वो सब इंस्टॉल करने में इतना टाइम सॉरी लगता है। मैम, बीच में आपको काट रहा हूँ, बट अगर हम ड्राइव पे अपना डाटा रख लेते हैं तो क्या हमें दोबारा अपलोड करने की जरूरत होती है? आई थिंक हाँ, सो। अगर आप ड्राइव पे, गुड क्वेश्चन, अगर आप ड्राइव पे रख लेते हैं ना, तो आपको वो ड्राइव से कनेक्ट करना पड़ेगा कोड। वो इजी है, आपकी बात सही है, बट अगर जैसे आप फॉर एग्जांपल आपके पास ड्राइव पे है, तो आप एक लाइन ऑफ कोड पे आप यहाँ पे अपनी नोटबुक में लिख लें और अपनी ड्राइव से कनेक्ट कर लें अपनी जुपिटर नोटबुक को, सॉरी गूगल कोलैब नोटबुक को। तो आप ड्राइव से कनेक्ट कर सकते हैं अपना डेटा। बट जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हैं और आपके टीचर ने आपको कोई डेटा सेट दिया, उस वक्त आपकी लैब चल रही है, या तो आप उसको ड्राइव पे पहले अपलोड करें और उसको कनेक्ट करें। अगर आप वो काम नहीं कर रहे, तो एवरी टाइम आपने वो चीज रन करनी है, आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, आप कर सकते हैं ड्राइव पे अपना, अगर आप गूगल ड्राइव पे आप अपना डेटा सेट अपलोड कर दें, आप वहां से उस फोल्डर को कनेक्ट कर सकते हैं अपने गूगल कोलैब नोटबुक के साथ, और फिर आपको एवरी टाइम आप रन करेंगे फिर आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप वो नहीं कर रहे, तो आपको हर दफा डेटा सेट को अपलोड करना पड़ेगा। ओके चलें, तो आगे बढ़ें और देखें कि ये कैसे हम अपना प्री ट्रेन मॉडल यूज करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाह रही थी, यहाँ पे अगर आप जाएं तो एक लिस्ट है पूरी टेक्स्ट टू इमेज मॉडल्स की। ये सारे प्री ट्रेन्ड हगिंग फेस पे मॉडल्स हैं। मॉडल फाउंडेशनल मॉडल बिल्ड हुआ हुआ है, प्री ट्रेन्ड है, ना आपको डेटा की प्री प्रोसेसिंग की फिक्र है, ना आपको मॉडल बिल्ड करने की फिक्र है। ये सारे मॉडल्स बिल्ड हुए हैं। जो हम यूज करेंगे वो ये वाला मॉडल है, रनवे एमएल स्टेबल डिफ्यूजन। ये वाला मॉडल हम यूज करेंगे और इससे हम जनरेट करेंगे इमेज यूजिंग अ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। आप यहाँ पे अगर आप देखें, ये आप सबके पास ये लिंक खुल गया जो मैंने गूगल कोलैब का खोला है। अगर यस मैम, ओपन है। ओके गुड, ओके, तो आप देखें ये सबसे पहले हमारे पास डिफ्यूजर्स हैं। अब डिफ्यूजर क्या है? पूरी लाइब्रेरी है हगिंग फेस पे, और जो डिफरेंट डिफ्यूजन मॉडल हैं वो इस डिफ्यूजर लाइब्रेरी में पाए जाते हैं। और ये किस किसके लिए यूज होता है? जैसे मैंने पहले कहा, इमेज जनरेट करने के लिए यूज होता है। फिर हमने पहले डिस्कस किए ट्रांसफॉर्मर्स। अब आप देखें, आप टेक्स्ट लिख रहे हैं टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, और आपके लिए इमेज जनरेट होगा। तो जो आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं वो तो नेचुरल लैंग्वेज में है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी है अगेन, और ये हमारे पास यहाँ पे हमने वो इंस्टॉल कर दी। सो फार हमारे पास 2 लाइंस ऑफ कोड है। फिर हमारे पास हमने इंस्टॉल की एक्सेलेरेट लाइब्रेरी, और ये हेल्प करेगी, एक्सेलरेट करेगी आपके सारे इस ट्रेनिंग के प्रोसेस को। यहाँ पे मैंने इवन टेक्स्ट में अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कुछ लिंक्स भी दिए हुए हैं अगर आपको अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ हमारे पास बेसिकली सो फार जो हमने काम किया है वो सिर्फ 3 लाइब्रेरीज इंस्टॉल की हैं। आप देख सकते हैं सो फार हमारे पास सिर्फ 3 लाइंस ऑफ कोड हैं। अब जो काम सारा होगा वो ये ब्लॉक ऑफ कोड है जो सारा काम करेगा। हमारे पास हमने डिफ्यूजर इम्पोर्ट किए, डिफ्यूजर लाइब्रेरी, टॉर्च लाइब्रेरी इंपोर्ट की, फिर
फिर हमने क्या किया कि हम डिफ्यूजर से डिफ्यूजन पाइपलाइन को इंपोर्ट कर रहे हैं. और डिफ्यूजन पाइपलाइन क्या है, एक कन्वीनियंट वे है टू यूज प्री ट्रेन्ड डिफ्यूजन मॉडल्स फॉर इमेज जेनरेशन. तो डिफ्यूजन पाइपलाइन एक क्लास है डिफ्यूजर लाइब्रेरी से, और उस क्लास को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया. फिर यहाँ आप देख रहे हैं इस लाइन में आप स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल यूज कर रहे हैं, और ये स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल अगेन हगिंग फेस से आ रहा है, जहां हमारे पास डिफरेंट डिफ्यूजन मॉडल है, स्टेबल डिफ्यूजन भी उनमें से ही एक है. और अगर आपको याद हो तो बिगनिंग में मैंने आपको एक स्टेबल डिफ्यूजन की वेबसाइट भी दिखाई थी, जहां हमने इमेज जनरेट किया था. अब ये अगर आप देखें तो ये स्टेबल डिफ्यूजन डॉट वेब एक वेबसाइट है, और ये भी स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल ही यूज कर रहे हैं. और आप यहाँ पे देखें हम भी स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल ही यूज करेंगे. उसके बाद यहाँ पे आपने टेक्स्ट प्रॉम्प्ट एंटर करनी है. मैंने जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट एंटर की हुई है वो ये है, एन इमेज ऑफ अ गर्ल विद अ पाकिस्तानी फ्लैग, और ये है इमेज जो इसने जनरेट किया हुआ है. मैं आपको 2 मिनट दूंगी, 2 या 3 मिनट. पहले मैं चाहूंगी कि आप सब रन टाइप को जाके जीपीयू कर लें ताकि काम फास्टर हो जाए. तो सबसे पहले आप सबको एक काम करना है, वंस आप मेरी ये नोटबुक खोलें, आप जाएं रन टाइप पे, रन टाइम पे टैब है ऊपर, और उसमें से आप चेंज कर लें रन टाइम की टाइप टू जीपीयू, T4 GPU. वंस आपने इसको सेव मैम ये कर बाय दिया, डिफॉल्ट जीपीयू ही है। अच्छा आपको बाय डिफॉल्ट जीपीयू, तो वेरी गुड. अगर आपने ये कर लिया तो उसके बाद आप प्रॉम्प्ट में कोई और प्रॉम्प्ट डालें. ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अराउंड बीच में जो चीज रेड में डाली हुई है, ये वो चीज जनरेट करेगा. तो जो ये बेसिकली आपकी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट है, जिस चीज को मैंने हाईलाइट किया हुआ है इस वक्त, इन इमेज ऑफ अ पाकिस्तानी गर्ल, इन इमेज ऑफ अ गर्ल विद अ पाकिस्तानी फ्लैग, ये आपकी प्रॉम्प्ट है, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट है. आप इधर कुछ भी डालें, जो भी चीज आप जनरेट करवाना चाहते हैं. आपकी सबकी मैम अपनी चॉइस है, हो सकता है आप कोई अच्छा बेडरूम की डेकोरेशन जनरेट करवाना चाह रहे हैं, आप मे बी कोई अच्छे पाकिस्तानी फूड की इमेज जनरेट करवाना चाह रहे हैं, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वहां पे, बिरयानी की पिक्चर जनरेट करवाना चाह रहे हैं, जो भी जनरेट करवाना चाह रहे हैं वो इधर लिखें, एन इमेज ऑफ वट एवर यू वॉन्ट टू बी जनरेटेड. और फिर उसके बाद आप रन टाइम में जाएं और रन ऑल कर दें. और अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये सिर्फ 3 लाइंस ऑफ कोड डिफरेंट चीजों को इंस्टॉल करने का थे, और बाकी हमने ये बहुत थोड़ा सा कोड लिखा है, वेट 1 2 3 4 5 लाइंस ऑफ कोड लिखे हैं, जिसकी वजह से ये चीज ये इमेज जनरेट हो रहा है. और ये सब पॉसिबल है हगिंग फेस की प्री ट्रेंड डेट मॉडल्स की वजह से. हमारे पास ऑलरेडी प्री ट्रेंड मॉडल्स हैं, हमने कोई ट्रेनिंग नहीं की, हमने मॉडल खुद से बिल्ड नहीं किया, हम सिर्फ उन प्री ट्रेंड मॉडल्स को यूज कर रहे हैं. तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको करना क्या है, आपका टास्क ये है कि आपके पास ये फाइल है, गूगल कोलैब नोटबुक है, आपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट को चेंज करना है. प्रॉम्प्ट को चेंज करने के बाद जो भी चीज आप जनरेट करना चाह रहे हैं, उसके बाद आप रन टाइम में जाएंगे और रन ऑल करेंगे. उससे पहले मेक श्योर कि आपका जो रन टाइम का टाइप है वो जीपीयू है. किसी के लिए इसने वर्क किया, कुछ आपने जनरेट करवाया इससे? मैम मेरा हुआ है सुपरमैन की तस्वीर की है ओके, जनरेट हुई आपकी? जी जी हो गई। मैंने लिखा था कि अच्छा, सुपरमैन विद पाकिस्तानी फ्लैग, बट उन्होंने पाकिस्तानी फ्लैग नहीं किया है। फिर से रीजनरेट करके देखें. अच्छा, अगर आपको रीजनरेट करना हो, जैसे आपने वन सारा, पहले तो मैंने आपको बताया रन ऑल, बट अगर आपको रीजनरेट करना है तो आपको रन ऑल की जरूरत नहीं है,
आप सिर्फ इस वाले, आपको ये अगर आपने कभी पहले गूगल कोलैब नहीं यूज किया तो आप सिर्फ इस पर्टिकुलर सेल को रन कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें और सिर्फ इस सेल को रन करें तो फिर से रीजेनरेट कर देगा वीडियोस को, इमेज को। ओके, कोई और शेयर करना चाहेगा? आपने क्या जेनरेट करवाया? एक तो सुपरमैन आ गया, कुछ और आया? मैम प्रोसेस कर रहा है ये अभी। अच्छा, कह रहा है ओके। जी मैम, एक इमेज जनरेट हुई है। अच्छा, आपकी क्या जेनरेट, आपने क्या जेनरेट करवाया है? मैंने क्रूज शिप की प्रॉम्प्ट दी थी और उसने जनरेट करके दी है। ओके। आपने अगर नोटिस किया हो तो इमेज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, जी मैम, मगर क्वालिटी थोड़ी यस कमजोर है। मैम, क्वालिटी अच्छी नहीं है। अच्छा, अगर क्वालिटी अच्छी आपको नहीं लग रही तो अब आप देखें यहाँ पे, ये फॉर एग्जाम्पल ये सारी लिस्ट है, इन इन सारों की एक जैसी क्वालिटी नहीं होगी क्योंकि ये डिफरेंट इमेजेस पे ट्रेन हुए हैं मॉडल्स हैं और डिफरेंट अल्गोरिदम्स इनके लिए यूज हुए हैं। जैसे मैंने आपको कहा हम स्टेबल डिफ्यूजन यूज कर रहे हैं, इस तरह दूसरे मॉडल्स हैं। तो आप, मैं आपको आपकी एक लाइक काइंड ऑफ आपका अपनी एक्सप्लोर करने के लिए आप जाके देख सकते हैं, दूसरे मॉडल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये मॉडल खोला, अब यहाँ पे आपके पास इन्होंने सारा कुछ डिटेल्स दी हुई है कि ये कैसे मॉडल है। और फिर एक सेकेंड मैं आपको कोड शेयर करती हूँ इन सारे मॉडल्स का। जैसे मेरे पास जो हमने कोड लिखा है इस गूगल कोलैब नोटबुक में, ऐसे ही डिफरेंट दूसरे मॉडल्स हैं और आप उनको जाके हगिंग फेस से उनके फ्यू लाइंस ऑफ कोड है वहां से लेके, और आप नया मॉडल अपना यूज कर सकते हैं। हगिंग फेस का ऐसा लिंक है जहां सारे के सारा कोड एक साथ डिफरेंट मॉडल्स का लिखा हुआ है। मेरे इस पेज पे हो रिसोर्सेस में। ओके, मैं एक चीज कर सकती हूँ, मैं आफ्टर दिस सेशन मैं स्लाइड्स शेयर करने से पहले वो पेज शेयर कर दूँ। वो पेज हगिंग फेस का ही पेज है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डिफरेंट लिस्ट है डिफरेंट प्री ट्रेन मॉडल की, आप इनमें से डिफरेंट मॉडल्स ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा मॉडल आपको बेहतर रिजल्ट दे रहा है। इस जो मॉडल हमारा बिल्ड हुआ हुआ है उसकी क्वालिटी अगर आप इमेज की देखें इतनी अच्छी नहीं है। जैसे आप देखें तो इन बच्चियों की फिंगर्स को कोई प्रॉब्लम है, बट आप डिफरेंट मॉडल्स ट्राई करके देख सकते हैं कि कौन सा मॉडल आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मैं वो लिंक शेयर कर लूंगी जिसमें इन सारे डिफरेंट मॉडल्स का कोड है। ओके, कोई क्वेश्चंस? किसी के लिए वर्क ना कर रहा हो? जरताशिया, राइट मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम ये मॉडल्स ले रहे हैं तो क्या इनको हम असेस करने के लिए, जैसे इतनी उच्च सेम क्वालिटी की नहीं दे रही है इमेजेस या रिस्पॉन्स हमें, तो क्या कोई मैट्रिक्स इनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं बिफोर लाइक जस्ट डायरेक्टली अप्लाइंग, हम कोई इस पे टेस्टिंग करके देख सकें, या फिर हम पहले इनका मैट्रिक्स भी साथ आउटपुट के तौर पर देख सकें इसके रिस्पॉन्स का किस हद तक ही है, इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? इसका मुझे इसके, क्योंकि ये प्री ट्रेंड मॉडल है और ये इमेज जेनरेट कर रहा है, एक तो आप ये कर सकती हैं कि आप डिफरेंट मॉडल्स को यूज करें और उनके इमेजेस देख लें कि कैसे जेनरेट कर रहा है। आपको देखने में पता चल जाएगा किसके इमेज कैसे हैं, मगर कोई इवेल्युएशन जो नंबर पे बेस हो उसके बारे में मुझे पता नहीं है कि कैसे आप इनको कंपेयर कर सकती हैं। मगर एक चीज आप कर सकती हैं कि आप डिफरेंट मॉडल्स लें और खुद उनके इमेज जनरेट करें, और जब आप इमेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसकी इमेज की क्वालिटी बेहतर है। जैसे हमने जनरेट किया, जो हमें नजर आ रहा है कि उसकी इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मगर अगर आप फॉर्मली इवेल्युएट करने चाह रही हैं किसी नंबर्स के बेसिस पे, तो मुझे अवेयरनेस नहीं है ऐसी किसी इवेल्युएशन मैट्रिक्स की जो हम यहाँ पे यूज कर सकें इनको कंपेयर करने के लिए।
एंड थैंक यू. एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि जैसे आपने भी हमें प्री ट्रेन मॉडल का बताया और इट्स रियली इजी, तो सिमिलरली अगर मैं इससे डिप्लॉय भी करवाना चाहूँ, लाइक इज इट सिमिलर प्रोसीजर, लाइक इज इट दैट सेम इजी बाय यूजिंग हगिंग फेस? आई हैव हर्ड दैट कि डिप्लॉयमेंट भी होती है वहाँ पे हगिंग फेस से कुछ ऐसा. जी डिप्लॉयमेंट होगी, बट अब आप देखें डिप्लॉयमेंट, अब हगिंग फेस से अगर आप इसका फ्रंट एंड बनवाना चाह रही हैं तो वो हगिंग फेस आपको फ्रंट एंड नहीं बनाना बना के देगा. अब जैसे ये समझे एक बैक एंड आपने बना लिया है, अब आप इसका किसी वेबसाइट पे इसका फ्रंट एंड बनवा रही हैं तो वो हगिंग फेस नहीं करके देगा. बट डिफरेंट अदर टूल्स हैं, मगर उन सबकी एक रिस्ट्रिक्शंस हैं. जैसे अगर एक टूल है स्ट्रीमलाइन, अभी मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा, स्ट्रीम समथिंग करके है, स्ट्रीमलेट बट वो आपको स्ट्रीमलेट फ्रंट यस स्ट्रीम यस स्ट्रीमलेट जी वो आपको फ्रंट एंड तो बना के देगा, बट वो जाहिर है उसका फ्रंट एंड इतना अच्छा फ्रंट एंड नहीं बनेगा जैसे कोई कोई फ्रंट एंड डेवलपर आपको बनाना के देगा, या उतना कस्टमाइज नहीं बनेगा जितना आपका कोई फ्रंट एंड डेवलपर बना के देगा. हगिंग फेस के साथ एक और चैलेंज है कि जाहिर है अगर आप कहीं इसको यूज कर रहे हैं फॉर कमर्शियल पर्पस, तो हगिंग फेस आप एजुकेशनल पर्पस के तो ये यूज कर सकते हैं. जैसे मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए दिखा रही हूँ, आप सबने इसको यूज करेंगे, डिफरेंट मॉडल्स टेस्ट करेंगे, वो एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, बट कमर्शियल पर्पस के लिए आप हगिंग फेस को इस तरह नहीं यूज कर सकते. तो अगर आप डिप्लॉय करना चाह रही हैं फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, तो आप हगिंग फेस सकते हैं, बट हगिंग फेस को आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, यानी आप इसको सेल करके कहीं से फायदा नहीं उठा सकते, आप एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. थैंक यू मैम. ओके ओके एनी अदर क्वेश्चंस? मैसेजेस फुल ऑफ कमेंट्स हैं जिसको मैंने देखा नहीं है. अगर कोई क्वेश्चंस आपने मैसेजेस में एंटर किए हैं तो मैं नहीं ट्रैक कर रही उनको, आप क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हैं. जी उबैद. अस्सलामुअलैकुम मैम, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है, मैं यहाँ सिलिकॉन वैली में होता हूँ, मैं आईकोड गुरु की मैनेजमेंट से हूँ. तो मैंने बहुत आपका थैंक यू करना था, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना टाइम दिया और इतना अच्छा इंटरेक्टिव सेशन दिया, और ना सिर्फ आपने नॉलेज दी बल्कि एक वर्कशॉप भी इस तरह आपने कंडक्ट कराई कि स्टूडेंट्स को आपने ये चीज़ें सिखाने की कोशिश की. सो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर टाइम, और ये या इस यू आर वेलकम. एक्सेलेंट थैंक लेक्चर, यू. ये रिकॉर्डेड है तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी एक बड़ा अच्छा रिसोर्स है, सबके लिए एक बड़ा अच्छा रिसोर्स बन जाएगा ये. थैंक यू फॉर वर्किंग ऑन दैट, और फ्यूचर में भी हम बिल्कुल आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस तरह की वर्कशॉप्स कंडक्ट कर सकती हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. लेकिन अगेन थैंक यू वेरी मच. मेरा भी, मैं यहाँ पे अभी सिलिकॉन वैली में हूँ बट मैं कनाडा में था कुछ अर्सा, जब मैं वाटरलू में पोस्ट डॉक कर रहा था उस टाइम पे फ्यू इयर्स बैक, तो इस वजह से कनाडा से भी अच्छा हमारी ये एफिलिएशन है, और मुझे पता है कि आप कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में हैं और कितनी अच्छी आप पोजिशन पे हैं. सो इट्स अ प्राउड फॉर अस कि आप बीइंग फ्रॉम पाकिस्तान, आप एक हमारे लिए एक प्राउड की बात है कि आप इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में इतनी अच्छी पोजीशन पे हैं, तो दैट्स ग्रेट. बहरहाल थैंक यू वेरी मच मैम. अभी थैंक यू स्टूडेंट्स के कुछ और रिजवान क्वेश्चंस हैं तो बिल्कुल लीजिए. जी. जी रिजवान, मेरी एक सजेशन होगी कि इसको थोड़ा 1 आवर या 2 आवर्स करके इंटरेक्टिव कर दिया जाए, क्योंकि वन वे टीचिंग काफी बोरिंग लग रही थी मुझे, तो मैंने इसलिए क्वेश्चंस उठाना शुरू किए, क्योंकि आप बताते हैं बताते जाए, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं करे तो वो एज ए टीचर काफी काफी बोरिंग हो जाता है. हाँ नहीं, दैट्स राइट बिल्कुल. वो आप शुरू में भी आपने एक तो दफा कहा वाकई के हमारा पाकिस्तान के एक जमाने में स्टाइल वन वे टीचिंग रहा है, लेकिन आप स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं तो उससे बिल्कुल, मैं स्टूडेंट्स को भी हमेशा हम ये कहते हैं कि आप ज्यादा इंटरेक्ट किया करें, उससे आपकी लर्निंग बढ़ती है. अगर आप
चुप हो बैठ के सुनते रहे ना, तो देन लोग आप जोन आउट हो जी जाते हैं, मैं खुद जोन आउट हो जाता हूँ इन द एंड, आपको समझ नहीं आती पूरी चीज की, समझ नहीं आती। तो बिल्कुल ये एक्चुअली हमने वन आवर रखा हुआ है, लेकिन इट जिस तरह अभी भी है तो इट गेट्स एक्सटेंडेड नॉर्मली। तो बिल्कुल अगर आप जी ज्यादा टाइम ले सक दे सकती हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन वन आवर इसलिए रखा हुआ है कि कभी लोग बिजी होते हैं, उनके पास 1 घंटा होता है, तो जी कोशिश की होती है कि मेन चीज 1 घंटे में कवर हो जाए और उसके बाद चीज बिल्कुल हम एक्सटेंड करते हैं। तो अगेन थैंक यू वेरी मच मैम थैंक यू सुरेखा। फॉर हैविंग मी। मैं थोड़ा सा जी टाइम लूंगी ओवर फिर से रिव्यू करने में कि हमने किया क्या है, फिर जो जाना चाहे वो जा सकता है, जिनको क्वेश्चंस हैं मैं थोड़ा सा एक दफा रिव्यू करूंगी क्योंकि इतने सारा कंटेंट हमने तेजी से कवर किया, तो एक थोड़ा सा रिव्यू करूंगी और फिर मैं क्वेश्चंस पे फिर से क्वेश्चंस लूंगी कि ओके चलिए तो देख हम कंटिन्यू जी करें प्लीज। ओके थैंक यू। ओके तो हमने किया क्या आज, हमने जेनरेटिव एआई के बारे में लर्न किया, हमने रिलेशनशिप देखी जेनरेटिव एआई की एआई और मशीन लर्निंग से, जो एक कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों को कि किस तरह जेनरेटिव एआई और एआई रिलेटेड हैं। जो चीज हमने देखी कि जेनरेटिव एआई एआई के अंदर बहुत सारे अल्गोरिदम्स हैं, फिर हमारे पास एक एआई की एक सब ब्रांच मशीन लर्निंग है जो प्रिडिक्शन और एस्टिमेशन करती है, उसमें ऐसे अल्गोरिदम्स हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं या एस्टिमेट करते हैं किसी भी चीज को। मशीन लर्निंग में डिफरेंट अल्गोरिदम्स हैं और न्यूरल नेटवर्क एक अल्गोरिदम है मशीन लर्निंग का। जब न्यूरल नेटवर्क में एक से ज्यादा हिडन लेयर होती है उसको हम डीप लर्निंग कहते हैं। जेनरेटिव एआई में सारे डीप लर्निंग के अल्गोरिदम्स यूज होते हैं। जेनरेटिव एआई डिफरेंट कैसे है मशीन लर्निंग से कि मशीन लर्निंग सिर्फ प्रिडिक्ट या एस्टिमेट करता है, जेनरेटिव एआई नया कंटेंट क्रिएट करता है। यहाँ पे दो डिफरेंट डायग्राम्स हैं जिनसे आप देख सकते हैं कि कैसे एक टिपिकल मशीन लर्निंग मॉडल डेटा और एल्गोरिदम लेके सिर्फ क्लासिफाई प्रिडिक्ट या क्लस्टरिंग कर सकता है, वेयर एज जेनरेटिव एआई में फाउंडेशनल मॉडल बिल्ड होता है अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट लेके। आप देख सकते हैं यहाँ अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट है और ये पूरे का पूरा मॉडल नया कंटेंट जनरेट करता है। वो कंटेंट टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकते हैं। फिर हमने कुछ डिफरेंट प्लेटफॉर्म देखे जनरेटिव एआई के, आप इनको बाद में चेक कर सकते हैं। आज हमने जो काम किया वो हमने हगिंग फेस यूज किया, प्री ट्रेंड मॉडल वहां पे हगिंग फेस से यूज किया। आप हगिंग फेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसका कोर्स ले सकते हैं। हमने हगिंग फेस यूज किया, वहां से हमने एक प्री ट्रेंड मॉडल लिया और ये प्री ट्रेंड मॉडल डिफ्यूजन मॉडल कहलाते हैं जो टेक्स्ट से इमेज जनरेट करते हैं। इसमें हमने ट्रांसफॉर्मर भी यूज किया। ट्रांसफॉर्मर बेसिकली न्यूरल नेटवर्क है और नेचुरल लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमारे मॉडल को वो इन ट्रांसफॉर्मर्स की वजह से मिलती है। आप अगर डिटेल देखना चाहें तो लिंक है और आप देख सकते हैं मजीद डिटेल। फिर डिफ्यूजन मॉडल है, डिफ्यूजन मॉडल जनरेट करता है इमेजेस, और डिफ्यूजन मॉडल के अंदर हमने स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल लिया और उस पे हमने अपना ये मॉडल प्री ट्रेन मॉडल है जो ऑलरेडी बिल्ड हुआ हुआ है हगिंग फेस में, वो यूज किया इमेज जनरेशन के लिए। गूगल कोलैब की हमने गूगल कोलैब यहाँ पे यूज किया है और उसका एक रीजन ये है कि ये क्लाउड पे है। अब यहाँ पे इस नोटबुक में आप मेक श्योर करें कि आप जीपीयू यूज कर रहे हैं और यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट चेंज करके आप कोई भी इमेज जनरेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव डन टुडे। अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं यहाँ पे स्टे करूंगी 15 मोर मिनट्स टू आंसर योर क्वेश्चंस। उबैद उबैद मैं आपसे स्टार्ट करूंगी। उबैद चले गए, अब्दुल्ला आपको क्वेश्चन है? नो मैम, मैं इधर ही हूँ अच्छा मैम। अब्दुल्ला मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम, जो जिस तरीके से मशीन लर्निंग हमारे पास इम्प्रूव हो रही है, तो मैम इसका जो है फिर वो ह्यूमन इंटेलिजेंस पे भी एक किस्म का जो है वो फ़र्क पड़ रहा है। लाइक ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो नंबर्स और मैथमेटिक्स में काफ़ी हमसे अच्छे हैं, और हम जो हैं हम तो बेसिक मैथ भी जो है हम वो कैलकुलेटर के बगैर नहीं कर पाते हैं। तो मैम इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने हमें हगिंग फेस के जो एक पूरा एक मॉडल जो दिया है, क्या इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि हम एक फ्रंट एंड डेवलप करें और उसके साथ इसको हम कनेक्ट कर पाएँ?
तो मैं आपके इस क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। हगिंग फेस, जैसे मैंने पहले कहा, हगिंग फेस के हम फ्री मॉडल्स यूज कर रहे हैं, और ये जो हम फ्री मॉडल्स यूज कर रहे हैं ये कमर्शियल पर्पस के लिए हम नहीं यूज कर सकते, ये हम एजुकेशनल। आप देखें हर हर एक का डिस्क्लेमर और वो सब होते हैं कि आप कहाँ यूज कर सकते हैं। हगिंग फेस के मॉडल्स जो मेरी नॉलेज है वो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। आप अपनी एक्सप्लोर करने के लिए, लर्न करने के लिए आप हगिंग फेस के मॉडल यूज कर सकते हैं। मगर आप अगर फ्रंट एंड डेवलप कर रहे हैं, फिर आपने वो कोई ऐप बना के सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हगिंग फेस नहीं यूज कर सकते। बट हाँ, आप कनेक्ट कर सकते हैं। टू आंसर योर क्वेश्चन, आप फ्रंट एंड खुद से बना के कनेक्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका काम, बट आप उसको किसी कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते। ओके मैम, ये तो नोट हो गया। और जो आप दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे कि आपके पेरेंट्स बेसिक कैलकुलेशन भी अच्छे करते थे, आज हम नहीं कर पा रहे, मेरे बच्चे भी, उनको मैं ये क्वेश्चन करती हूँ कि आप खुद से कैलकुलेटर से नहीं करो। कभी कभी बच्चे रिलक्टेंट होते हैं मैथ पढ़ने के लिए, और उनका आंसर ये होता है कि वी हैव कैलकुलेटर। तो ये एक चैलेंज है, जब हमारे पास चीजें, टूल्स हैं, तो हम समझते हैं कि अब वो टूल्स ही हमारे पास क्योंकि हैं तो हमें अपनी दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से देखें, हमारे पास एक लास्ट ईयर एक नई फैकल्टी ने ज्वाइन किया जो बहुत ही यंग थे, और उस वक्त चैट जीपीटी नया आया था 2022 के, लेट 2022 में, और स्टूडेंट्स ने चैट जीपीटी यूज करना शुरू किया। तो उसकी कंप्लेन ये थी कि जब मैं स्टूडेंट था तो चैट जीपीटी नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, और जब ये नए स्टूडेंट हैं इनके पास चैट जीपीटी है, तो अब ये हर चीज आसानी से कर रहे हैं, हमने इतना टाइम लगाया उन चीजों पे। तो मैंने उसको एग्जाम्पल दी अपनी कि जब मैं अपना फर्स्ट बैचलर्स कर रही थी तो हमारे पास गूगल भी नहीं था, तो वो गूगल, क्योंकि वाईफाई नहीं था, हम वो डायल अप कनेक्शन यूज करके गूगल का आधा घंटा एक पेज लोड करने का इंतजार करते थे। और जाहिर है उस वक्त नॉलेज मिलना इतनी ऐसा मुश्किल थी जैसी आज आसान है, मैं यहाँ से बैठ के आप लोगों को नई चीजें सिखा रही हूँ, दैट वॉज इन पॉसिबल बैक देन। तो हर जेनरेशन के पास, मैं ये समझती हूँ, हर जेनरेशन के पास कुछ अच्छे टूल्स हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन अच्छे टूल्स का कुछ डाउन साइड भी है। अब आप अपना, मैं देखती हूँ अपने स्टूडेंट्स में कि वो चैट जीपीटी यूज कर रहे होते हैं, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रोसेस जो पहले स्टूडेंट्स करते थे वो नहीं करते, अब वो चैट जीपीटी पे रिलाई करते हैं हर चीज के लिए, या किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे रिलाई कर रहे हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए। अब आपका ये सवाल कि आप अपना दिमाग नहीं यूज करें, पता नहीं ये अच्छी चीज है या अच्छी चीज नहीं है, ये मुझे नहीं पता। तो बट हर जनरेशन डिफरेंट है, हर जनरेशन के पास डिफरेंट टूल्स हैं। आपके पेरेंट्स के पास ये सारे जेन एआई के टूल्स नहीं थे। थैंक यू सो मच मैम। अब्दुल्ला, मैम बस मेरा जो सवाल था वो उस वक्त थोड़ा सा इनकम्प्लीट था। मैं बेसिकली थोड़ा सा मैं भी इसी मशीन लर्निंग और उसमें काम करता हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा सा मैनुअल प्रोसेस है मेरा। मैं इतना ज़्यादा ऑटोमेटेड नहीं हूँ अपने काम में, लेकिन मैं भी रिग्रेशन मॉडल्स बनाता हूँ, लेकिन मैं वो फोरकास्टिंग के लिए बनाता हूँ। तो आजकल मैं जो मेरा सवाल था कि अ पार्ट ऑफ योर प्रिडिक्शन मॉडल्स एफिशिएंसी मैट्रिक्स लाइक एडजस्टेड आर स्क्वायर, पी वैल्यू और बहुत सारे होंगे, आई डोंट नो, वो तो चले, आपकी मॉडल की एक्यूरेसी होती है उसकी उसकी डिपेंडेंसी के ऊपर मॉडल जो आपको जवाब देता है वो उनको ये वो ये कहते हैं कि भाई ये जो जवाब है ये एक ऐसे मॉडल से आ रहे जिसकी एडजस्टेड आर स्क्वायर 95% था, तो आपके जवाब की एक्यूरेसी 95% है। लेकिन अगर मैं उसी जवाब को रियल वर्ल्ड में लेके जा रहा हूँ, वहां पर फर्ज करें कि मैंने एक प्रिडिक्शन प्रोड्यूस करी कि भाई मेरा अगले साल का बजट इतना एक्स वाई जी एक्स होगा, अब उस एक्स को मैंने अप्लाई किया रियल वर्ल्ड में, तो उससे क्या फायदा हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन को? क्या वाकई में वो प्रिडिक्शन सही थी? तो वो रिलेशनशिप मैं पूछना चाहता, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी थॉट प्रोसेस जानना चाह रहा था कि आप इसको क्या आप क्वालिटी मैट्रिक्स के अलावा भी और कोई मैट्रिक्स देखती हैं,
एक मॉडल को असेस करने के लिए, या फिर आपका क्या कहना है इसके बारे में? फिर मैं आपको एक अब्दुल्ला, और देखें जी. आप अगर 95% देखें, आप जाहिर है किसी कंपनी के साथ अगर किसी का बजट प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब जो आप 95% आप कह रहे हैं ना कि आपकी मॉडल की जब आपने आर स्क्वायर किया वो उसकी 95% उसकी मैट्रिक्स इवेल्युएशन आ रही है, 95% से आपको ये पता चलता है, देखिए जो आपकी मशीन लर्निंग का मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है ना, जो एस्टिमेट कर रहा है, इट्स एन एस्टिमेशन, ठीक है, इट्स एन एस्टिमेशन, इट्स नॉट एन एक्यूरेट रिजल्ट, राइट। तभी आप उसको एस्टिमेशन कह रहे हैं ना, एस्टिमेशन और एक एक्यूरेट रिजल्ट में डिफरेंस है ना। जब मैं आपको कह रही हूँ कि ये एस्टिमेशन है, इसका मतलब है इट्स जस्ट एन एस्टिमेशन, इट विल बी अराउंड दैट नंबर। अगर आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर का बजट विल बी फॉर एग्जाम्पल 2.5 मिलियन, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो दैट 2.5 मिलियन इज जस्ट एन एस्टिमेशन। इट कुड गो लाइक इट कैन बी अंडर 2.5, इट कैन बी 2.3 मिलियन, और इट कैन बी 2.7 मिलियन, ठीक है ना, 2.6 भी हो सकता है, वो तो एक एस्टिमेशन है ना। तो आपका जो मॉडल आपने इवेल्युएट किया और वो आपको बता रहा है कि आपका मॉडल 95% एक्यूरेट है, इसका मतलब ये है कि 100 में से 95 दफा वो ठीक होगा आपका रिजल्ट, हर दफा नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही है ना। तो मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं वो प्रिडिक्शन, वो एस्टिमेशन करते हैं, वो आपको 100% नहीं बता रहे, वो गलत आपको एक एस्टिमेशन बता रहा है, बट आपको ये नहीं बता रहा कि जरूरी नहीं है कि वो उतना ही हो, ठीक है। सही है मैम. एमएल ऑप्स फ्लो होता है, आपने एमएल ऑप्स के बारे में पढ़ा है? एमएल ऑप्स पता है आपको? मैं आपके साथ शेयर करूंगी, प्लीज. ठीक है, थोड़ा सा आपको वहां से आइडिया होगा। थैंक यू मैम. मेमोना, आपको क्वेश्चन है? मेमोना, अगर आप सवाल पूछ रही हैं तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अब आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था कि मशीन लर्निंग मॉडल्स जो हैं वो डाटा सेट पे ट्रेन होते हैं, ठीक है, तो चैट जीपीटी जो है वो कौन सा डाटा सेट यूज़ करता है, मतलब उसको कैसे ट्रेन किया गया? चैट जीपीटी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके इंटरनेट पे जो कुछ होता है वो सारा डेटा लेके उस पे ट्रेन हुआ हुआ है। यानी आपके पास इंटरनेट पे जो भी मटेरियल है वो उस डेटा को लेके उस पे ट्रेन हुआ हुआ है। गूगल से उतने लर्न जी, करना, आपकी गूगल आवाज बहुत लो है। जी, गूगल भी, से उतने गूगल मैम, भी, इस पर गूगल मैं का। ऐड करना चाहूंगा कि मेरी आवाज आ रही है. जी, आपकी आवाज आ रही है। हमारे पास जो है ना, डिफरेंट एआई के पैरामीटर्स मतलब होते हैं, जैसे हम सुनते हैं कि 70 बिलियन पैरामीटर्स और इस तरह. तो हमारे पास चैट जीपीटी सबसे ऊपर आता है. इसमें मतलब 1 ट्रिलियन, पता नहीं कितने ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेटर्स पैरामीटर्स आते है. हैं। तो इस वो वजह से आपका जी जी थैंक यू नाजमी, आपकी इंफॉर्मेशन का। नाजमी की इन्फॉर्मेशन ये थी कि जो आपने अल्गोरिदम्स यूज किए उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, तो इनकी थी कि सबसे ज्यादा बेहतरीन ज्यादा पैरामीटर्स चैट जीपीटी यूज कर रहा है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो डेटा सेट, जो डेटा ले रहे हैं, वो इंटरनेट पे जो आपके डेटा डेटा है वो उस डेटा को यूज करके और कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। नमून, आपका आंसर किया मैंने क्वेश्चन? आप अनम्यूट हुई है मगर आपकी आवाज नहीं आ रही। कि किसी और को कोई और क्वेश्चन? फैजान जी, यस फैजान। यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि ना, ये आपने कहा था जैसे कि कोड जनरेट भी करता है ना, जैसे हमने देखा है चैट जीपीटी भी कोड जनरेट करता है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं करता. तो इसकी क्या वजह है, मतलब कि वो क्यों इतना अच्छा नहीं कर पाता जनरेट, वो इसका भी काम. मतलब, जिस डेटा पे वो ट्रेन हुआ हुआ है वो इतना अच्छा नहीं होगा। आपने कभी गिथब कोपायलट यूज किया है?
गिटहब कोपायलट मैं लिंक शेयर कर सकती हूँ, और वो स्टूडेंट्स के लिए, मुझे पाकिस्तान का पता नहीं है मगर स्टूडेंट्स के लिए वो मैम आई थिंक इट्स नॉट नहीं फ्री है। यहाँ पे कनाडा में अगर आप स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट फ्री हैं है। तो आप रजिस्टर हो सकते हैं एज ए स्टूडेंट कनाडा में। यहाँ पे भी फ्री नहीं है गिथब को पायलट, बट स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर फॉर फ्री। मैंने लिंक शेयर किया है, अगर आप देखें इसमें एज ए स्टूडेंट साइन अप करें, ये हो सकता है फ्री हो। जो आपका क्वेश्चन है कि चैट जीपीटी इतना अच्छा कोड क्यों नहीं जनरेट करता, तो मेरा ये ख्याल है कि जिस डेटा पे वो ट्रेन हुआ होगा उसमें इतना, देखिए उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है आपके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की, और फिर वो कहीं से वो चीज लेकर आ रहा है, किसी डेटा से वो लेकर आ रहा है गिथब को पायलट, और फिर जाहिर ऑफ कोर्स जो अल्गोरिदम आप यूज उसके लिए हुआ होगा, जो अल्गोरिदम और जो डेटा सेट आपने यूज किया है वो दोनों रोल प्ले करते हैं कॉन्टेंट के जेनरेशन पे। तो मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि चैट जीपीटी में भी जो पीछे से उसका डेटा जिस पे ट्रेन हुआ हुआ है वर्सेस गिथब को पायलट, पूरे गिथब के कोड पे ट्रेन हुआ हुआ होगा, इस वजह से गिथब को पायलट का रिजल्ट बेहतर है एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी। आपने अगर सुना हो गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसे डेटा पे ट्रेन हुआ होगा वैसे ही डेटा आपको रिजल्ट देगा। यस मैम, इसका मतलब ये हुआ कि गिटअप में जो लोग कोड ओपन सोर्स के जरिए या जिन्होंने ओपन सोर्स किया हुआ होता है अपना कोड, वहीं से वो कोड सारा उठा लेता है और उसी के जी, वहीं से वो जरिए। कोड उठा रहा है और वहीं से आपको रिजल्ट दे रहा है। सईद, शहीर, आपने पहले हैंड रेज किया था, शहीर। यस मैम, एम आई ऑडिबल? जी, ओके मैम, एक क्वेश्चन है बेसिकली कि जो आपका एक एक्सपीरियंस है कि आपने डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस टीच किया है न्यूरो डाइवर्जेंट यूथ को, ऐसे ही है? जी तो मैम ये कितना एक हार्ड एक्सपीरियंस था या किस तरह का एक्सपीरियंस था ओवरऑल आपका ये? ये जो न्यूरो डाइवर्जेंट स्टूडेंट्स थे ये ऑटिस्टिक थे और वो हाईली फंक्शनल, अगर आपने देखा ऑटिज्म की स्पेक्ट्रम होती है, कुछ ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स बिल्कुल नॉन वर्बल होते हैं, कुछ की मेंटल उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती। ये जो ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स थे ये हाईली फंक्शनल स्टूडेंट थे। हार्ड इन द सेंस था कि उनको पढ़ाने का तरीका वैसे ही नहीं था जैसे न्यूरोटिपिकल स्टूडेंट्स को होता है। कुछ चीजें आप उनके साथ जोक्स करो, उनकी कुछ सेंसिटिविटीज होती हैं इन क्लास में, उनको कभी लाइट प्रॉब्लम कर रही होती है, कभी कोई साउंड प्रॉब्लम कर रहा होता है, उस तरह हार्ड था। मगर ये न्यूरो डाइवर्जेंट स्टूडेंट्स, इनको मेंटली कोई चैलेंजेस नहीं थे, मगर ये हार्ड डिफिकल्ट था दूसरे आम स्टूडेंट्स को पढ़ाने से। इसका मतलब मैम, मतलब डिस्ट्रैक्शन का एक इशू था सिर्फ, बाकी सब ठीक था? नहीं, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन का नहीं, क्योंकि ये लोग कभी कभी अपने इमोशंस को भी, जो न्यूरो डाइवर्जेंट स्टूडेंट्स थे, कभी कभी इमोशंस को भी रेगुलेट नहीं कर पाते। कभी किसी ने उनको कुछ बोल दिया, कभी आपने कोई ऐसी चीज बोली वो आपके जोक को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, कभी वो आपने कुछ सवाल पूछा और वो एग्रेसिव हो गए, तो ऐसे ऐसे उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करते थे। मगर उनको, अगर आपका सवाल ये है कि बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स पढ़ाना उनको कितना डिफिकल्ट था, तो वो उनको मेंटली अंडरस्टैंड करने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो क्योंकि वो लेते ही उस स्टूडेंट्स को थे जो जिनको मेंटल कोई चैलेंज ना हो, एडमिशन ही ऐसे ओके स्टूडेंट्स को मिलता था। ओके थैंक यू मैम। सईद, मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगी और हम खत्म करेंगे 11 o'clock तक। सईद, आपका क्वेश्चन। जी मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम मशीन लर्निंग के कोर्सेज अक्सर जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कर रहे होते हैं या बच्चों को टीच भी कर रहे होते हैं, खुद भी लर्निंग कर रहे होते हैं, तो इसमें कुछ जो बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें जो मेरी नज़र में है वो स्टैटिस्टिक है, मैथ है, प्रोबेबिलिटी है, अगर देखा जाए, क्योंकि एज पर माय नॉलेज
क्योंकि जितने भी ML या AI की जितने भी मॉडल्स हैं या इनको हम आर्किटेक्चर को कह तो ये तकरीबन स्टैट पे बेस कर रहे हैं, या इनके पीछे ये तकरीबन कम्बिनेशन है स्टैट मैथ प्रोबेबिलिटी ये सारी चीज़ें। तो इसका मतलब ये है कि स्टैट तो आज से पहले भी थी, स्टैट आज भी है, तो ऐसे क्या इसमें डिफरेंशिएट हो गया कि पहले वाली जो स्टैट थी और आज भी सेम चीज़ें हैं, सेम फंक्शनैलिटीज हो रही हैं, लेकिन ये जनरेटिव एआई आ गई और इसने इतनी जो है चेंज कर दिया वर्ल्ड को। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें जो है बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर ये चीज़ें इन चीज़ों पे हम अच्छा फोकस करेंगे तो हम एक अच्छे इनके कंसेप्ट लर्न कर सकेंगे और एक अच्छा जो है एआई इंजीनियर हम बन सकते हैं। तो थोड़ा सा इनको मैम एक्सप्लोर कीजिएगा और एक्सप्लोर कर दें। और सेकंड मेरा ये है कि वो जनरेटिव एआई की कुछ अगर रिसोर्सेज हों अवेलेबल तो काइंडली वो भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू मैम। इसी क्वेश्चन को मैं सॉरी मैम इंटरप्शन के लिए मैं इसी क्वेश्चन को आगे मेरा भी यही क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन से रिलेटेड। अच्छा मैं जो रिसर्च पेपर्स पढ़ती हूँ ना तो उसके अंदर मेथोडोलॉजीज और उन्होंने उसके अंदर उन्होंने इक्वेशंस बताई हुई है हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, मैथमेटिकल क्वेश्चन या स्पेशली प्रोबेबिलिटी। तो वो मुझे उस चीज पर बहुत ज्यादा फेस बहुत मसला होता है मुझे समझने के लिए, क्योंकि जो मैथ की इक्वेशन है देखे तो न्यूरॉन्स वो भी एक इक्वेशन ही है मैथ की। तो हम इस तरीके से होके हम इतना मैथ हो के हम उस चीज को अंडरस्टैंड कर सके उसके लिए रिसोर्सेज मैं पूछ रही थी अगर हो। अब मैं इतने सारे क्वेश्चंस का एक साथ जवाब देने के लिए मैं आपके क्वेश्चन से शुरू होती हूँ शायस्ता। देखिए प्रॉब्लम ये है कि डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए बेसिकली हम जो ये मॉडल बना रहे हैं ना, मॉडल एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। अगर आप में से जिन्होंने कैलकुलस पढ़ा हुआ हो तो जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं, मैंने एक्चुअली फास्ट यूनिवर्सिटी में कैलकुलस पढ़ाया था और यहाँ अब्दुल्ला हैं वो मेरे स्टूडेंट थे जब मैं कैलकुलस पढ़ाती थी। कैलकुलस उस वक्त स्टूडेंट्स को बहुत बोरिंग लगता था और स्टूडेंट्स को लगता है कि पता नहीं क्यों हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। जो हम मैथमेटिकल मॉडल बिल्ड करते हैं वो एक जो आपको अगर याद हो कैलकुलस में एक इक्वेशन होती थी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो वो मैथमेटिकल मॉडल जो हमारा मशीन लर्निंग का मॉडल है वो एक रिलेशनशिप है बिटवीन लेबल्स और हमारे इनपुट के या डेटा के। इस मशीन लर्निंग को अंडरस्टैंड करने के लिए कैलकुलस की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। मैं अब ऑप्टिमाइजेशन के यूनिट्स पढ़ा रही होती हूँ और मेरे स्टूडेंट्स बाकायदा स्ट्रगल करते हैं ऑप्टिमाइजेशन से, क्योंकि उसका सारा कॉन्सेप्ट ग्रेडियंट डिसेंट का है। जब हम डिफ्रेंसिएशन पढ़ते हैं तो हम बहुत ही हेट करते हैं डिफरेंशिएशन से, मगर वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो शायस्ता आपका क्वेश्चन आंसर ये करूंगी कि मैं कुछ कैलकुलस के रिसोर्सेज शेयर कर सकती हूँ, अगर आप वो देख लें तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। न्यूरल नेटवर्क की जो इक्वेशंस हैं वो डिफरेंट कैलकुलस के डिफरेंट मैथ के फंक्शंस हैं, और अगर थोड़ी सी आपको कैलकुलस की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सईद आपका शायद मैंने आपका क्वेश्चन आंसर किया। मैम मैंने आपके स्टैट को क्वेश्चन भी एक दफा देखे, क्योंकि बैक प्रोपोगेशन या इस तरह की क्वेश्चंस लीनियर वगैरह वो सारी कुछ क्लियर है, मतलब उसको समझ आ जाती है। लेकिन स्पेशली जब अभी मैं ना टॉपिक मॉडलिंग के ऊपर काम कर रही तो वो सारे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है LDA इस तरीके के मॉडल्स आ रहे हैं, तो वो मुझे ना उसकी मैथ को समझने में बड़ा मसला आता है, उसकी स्टैट को समझने में। सही है। मैं कुछ रिसोर्सेज कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी की स्टैटिस्टिक्स शेयर करूंगी। मैं एक काम करती हूँ क्योंकि यहाँ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ मैंने चैट बॉक्स में अपना एक लिंक शेयर किया है, मेरा फेसबुक पे एक पेज है, अगर आप लोग वहाँ पे जाके अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड कर दें तो मैं वहाँ पे मेरा फेसबुक का पेज है जिसमें मैं इतनी रिसोर्सेज शेयर नहीं कर पाती क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है, बट अगर आप मुझे वहाँ मैसेज डाल दें तो मैं कोशिश करूंगी कि सबके जो भी क्वेश्चंस और कंसर्न्स हैं वहां पे मैं पोस्ट कर दूं। तो आपका शायद सा कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स का मैं कोशिश करूंगी वहां पे पोस्ट करूं।
सईद, आपका क्वेश्चन था कि स्टैटिस्टिक्स तो पहले भी था और स्टैटिस्टिक्स अब भी है, फिर ये जेनरेटिव एआई अब क्यों हो गया? इसका रीजन ये है कि मैंने ये लीनियर रिग्रेशन जब सबसे पहली दफा पढ़ा था वो मैंने स्टैट्स में पढ़ा था. आज जिस टाइम सीरीज को हम मशीन लर्निंग में पढ़ते हैं वो मैंने सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी थी. उस वक्त इतनी कोई हाइप नहीं थी, मशीन लर्निंग नहीं था, डेटा साइंस नहीं थी. अब इन सब चीजों के इतनी ज्यादा होने का रीजन है डेटा का होना. आप लोग शायद जो नए 2005 के बॉर्न, बाद के बॉर्न वे में, उन्होंने शायद वो टाइम देखा ही नहीं. 2008 में, 2008 के बाद हमारे पास स्मार्टफोन्स आना शुरू हुए. जब सबके हाथों में स्मार्टफोन आया तो उससे एक चीज पैदा हुई, डेटा. 2010 और 2017 के दरमियान इतना ज्यादा डेटा जनरेट हुआ है जो पहले डेटा हमारे पास नहीं था. और हमें मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए क्या चाहिए? डेटा. जेनरेटिव एआई कहाँ से सारा डेटा कलेक्ट कर रहा है? इंटरनेट से. पहले इंटरनेट पे इतना डेटा नहीं था हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं थे तो हमारा इतना डेटा नहीं था. हर बंदा जो स्मार्टफोन ले रहा है वो इतना सारा कंटेंट डेटा जेनरेट कर रहा है. और उन सब की वजह से डेटा एक रीजन है इस सारे जेनरेटिव एआई के आज पॉसिबल होने का. डेटा के अलावा आप देखें, अभी मैंने आपको दिखाया कि जीपीयू आप रन कर सकते हैं, जीपीयू पे मशीन लर्निंग मॉडल रन कर सकते हैं. तो पहले इतने अच्छे प्रोसेसर नहीं थे, अब हमारे पास अच्छे प्रोसेसर हैं. अब बहुत ज्यादा अल्गोरिदम्स भी नए नए आए हैं और उसकी वजह से भी ये चीजें पॉसिबल हैं. तो थ्री रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जो पहले अल्गोरिदम्स और पहले चीजें एग्जिस्ट करती थी, स्टैटिस्टिक्स वगैरह, मगर ये सारी चीजें जेनरेटिव एआई नहीं था, दूसरे मशीन लर्निंग कि इतना ज्यादा यूजेज नहीं था. उसके थ्री रीजंस हैं. डेटा, 2010 के बाद हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा आ गया. प्रोसेसिंग पावर, हमारे पास अच्छे जीपीयूज आ गए. उस प्रोसेसिंग पावर की वजह से अब हम लोग क्लाउड में इतनी सारी कंप्यूटेशन कर रहे हैं, पहले वो सब नहीं था. और थर्डली, हमारे पास कुछ अल्गोरिदम्स, बहुत सारे जैसे न्यूरल नेटवर्क वगैरह हैं. आप देखें ये ट्रांसफॉर्मर्स और ये सारी चीजें नई बनी है. 2018 स्टेबल डिफ्यूजन आप जाके देखें, 2017 के पेपर. तो ये सारी नई चीजें, और मगर उसमें जाहिर है डेटा ने और प्रोसेसिंग पावर ने भी ह्यूज रोल प्ले किया है. तो ये तीन चीजें हैं, डेटा, प्रोसेसिंग पावर, न्यू अल्गोरिदम्स, जिन्होंने ये जेनरेटिव एआई को अब पॉसिबल किया है. सही, मैंने आपका आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर किया. आपका कुछ और भी क्वेश्चन था जो मैं भूल गई हूँ? जी मैम, ऑलमोस्ट एक एक क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया है, जी, और आप अगर लेकिन दूसरा पूछते हैं तो मैं वो आंसर करूंगा और फिर हम खत्म करेंगे सेशन को. जी मैम, अच्छा दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि एज अ इंस्ट्रक्टर, आप जब एमएल या डेटा साइंस टीच कर रही होती हैं, उसमें आपका जो बेस फोकस जो होता है बच्चों को, कम से कम कौन सा ऐसा जो है वो टूल है जो कम से कम बच्चों की बेस बनाएगा एज अ एमएल इंजीनियर या एआई इंजीनियर बनने के लिए? जी देखिए, मैं आपको ये चीज बताऊं, कोई भी एक टूल मैं नहीं कह सकती, मगर एक चीज है जो मैं किस आप कुछ भी लर्न करना चाहें. आज हम लोग डेटा साइंस लर्न कर रहे हैं, कल कोई नई चीज आएगी, ठीक है. एक चीज जो टेक्नोलॉजी में सरवाइव करने के लिए चाहिए वो है लर्निंग हाउ टू लर्न बाय योरसेल्फ. कोई भी चीज, एक हार्डवर्क, आपकी एक कमिटमेंट होनी चाहिए और एक आपको आना चाहिए कि कैसे आप चीजों को खुद लर्न करें. आप देखें, आज वर्क प्लेस पे आप जा रहे हैं, नई नई रोज नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कोई आपको सिखाएगा नहीं उन चीजों को. तो एक चीज जो हमें एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर, या कहीं हम काम कर रहे हैं, जो हमें चीज आनी चाहिए वो हमें ये आना चाहिए कि कैसे हम नई चीजों को खुद से लर्न करेंगे. मैंने पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और क्योंकि हमारे पास एक कल्चर आता है ट्यूशन का इंटर में, उस वजह से जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में आते थे मैं ही उनकी टीचर होती थी और वो मुझे आके कहते थे कि मैं उनको ट्यूशन पढ़ाऊं. तो एक अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस कि हम चीजें खुद से लर्न कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है और हमें ये आनी चाहिए कि हम कैसे खुद से चीजों को लर्न करेंगे. किसी पे आजकल इतनी सारी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, तो एक चीज जो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी वो आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस करें कि आप खुद से चीजों को लर्न कर सकते हैं, ये आना चाहिए हमें.
हमारे एक टीचर थे जो हमें कहते थे लर्न हाउ टू लर्न, तो हमें वो आना चाहिए कि हम कैसे खुद से लर्न कर सकते हैं। सही, मैंने आपका सवाल का जवाब दिया। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, कोर्सेरा पे एक कोर्स है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट प्रोफेसर, उनका एक कोर्स है लर्निंग हाउ टू लर्न, तो वो काफ़ी इफेक्टिव अच्छा कोर्स है, अगर मैं मुझे लिंक मिलता है तो वो मैं शेयर कर देता हूँ। जी, जरूर जरूर। ओके, इसके साथ हम खत्म जी जी करेंगे। हाँ जी, मैम, थैंक यू वेरी मच, दिस इज डॉक्टर जफर शाह फ्रॉम बे एरिया, तो यस डॉक्टर जफर, अलोंग विद थैंक यू फॉर डॉक्टर, हैविंग मी। जी जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। एंड मैम, योर सेशन वाज जस्ट लाइक अ मैग्नेट, कि इतना टाइम गुजर गया फिर भी बच्चे बैठे हुए हैं, और थैंक्स थैंक्स अ लॉट। तो इंशाल्लाह हम आपसे फ्यूचर में भी गाइडेंस लेते रहेंगे। तो जी आई जरूर, बोर्ड गुरु पे बेसिकली हम बच्चों को यही जो मेन चीज हम सिखा रहे हैं वो यही सिखा रहे हैं कि हाउ टू लर्न योर सेल्फ। तो यहाँ बिल्कुल मोस्टली दिस इज अ स्टूडेंट रन प्लेटफॉर्म, स्टूडेंट खुद ही चीज लर्न करते हैं एंड देन दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू टीच अदर्स। तो हम दिन में 12 घंटे पढ़ाते हैं और उसमें सारे स्टूडेंट्स ही होते हैं जो पढ़ा रहे होते हैं। तो हाँ, इनशाला अच्छा ये जो चीज है ये स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रही है टू परफॉर्म एट द इंटरनेशनल स्टेज, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स में दिस इज वन ऑफ द वीकनेसेस, दे हैव नेवर प्रेजेंटेड, दे हैव नेवर लर्न देमसेल्व, तो उन्हें थोड़ी सी जस्ट अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है जो कि हम इस प्लेटफॉर्म में दे रहे हैं। तो थैंक्स अलॉट मैम, थैंक हैव्स ऑफ टू यू यू। फॉर हैविंग मी, और बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है। होपफुली हम अपने पाकिस्तान के बच्चों को आगे लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। वन लास्ट थिंग, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, मैंने अपना फेसबुक का पेज भी शेयर किया और मैं लिंक्डइन का प्रोफाइल आई थिंक शेयर किया था। मैं एक दफा फिर से चेंज शेयर कर लूंगी और उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगी। ओके ओके क्या बात। ओके, थैंक यू जी, सो अल्लाह मच, थैंक यू, हाफिज, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, अल्लाह हाफिज। जी स्टूडेंट, किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं आई कोड गुरु के हवाले से जनरल, या कोई फीडबैक, कोई और चीज जो आप डिस्कस करना चाहें, तो दिस इज द टाइम फॉर यू टू आस्क। कैन आई से समथिंग सर? जी जी बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वाले सर, इट वाज ग्रेट सेशन, इट वाज ट्रूली ट्रूली नॉलेजेबल, बिकॉज एज आई एम नॉट एज मच रेगुलर स्टूडेंट ऑफ एआई, बट आई हैव गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैम, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच इन्फॉर्मेटिव सेशन टू अस। थैंक यू सो मच। हाँ जी बिल्कुल, वो लोग बहुत, उन लोगों ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज की है जो कि हमारे वीकली वेबिनार में नहीं आते, क्योंकि हमारे वीकली वेबिनार स्टूडेंट्स में जो उनका विजन है वो ब्रॉडन करते हैं और उन्हें ओवरऑल मैच्योर बनाते हैं। तो आई रियली सिंपथाइज विद दोस पीपल जिन्हें अभी ये फील नहीं हो रहा, और कुछ अरसे बाद वो देखेंगे कि जो लोग इन सेशंस में आ रहे हैं वो बहुत आगे निकल जाएंगे नॉलेज में, मैच्योरिटी में, नेटवर्किंग में। तो स्टूडेंट्स प्लीज मैम मैविश को ऐड कर दें अपने पास, शी इज अ प्रोफेसर इन वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ कैनेडा, तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सर, मुझे आपसे कुछ और मुझे आपसे कुछ जनरल से क्वेश्चन भी पूछना था। अभी सेशन आपका मैं टाइम ले सकती हूँ सर, 5 मिनट? जी बिल्कुल ले, बिल्कुल ले, इसीलिए बैठे हैं। सर, मुझे आपसे पूछना था सर, मेरी आपसे बात हुई थी पिछले वेबिनार में, आई थिंक 15-20 डेज अर्लियर। तो सर, उसमें आपने मुझे लीड कोड का सर आपने मुझे कहा था, मेरा इंटरेस्ट बहुत डेवलप हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर जो सेशंस होते हैं उनमें मॉडरेटर से भी हेल्प ली, तो उन उनमें से ही आई मीन मुख्तलिफ राय, उन्होंने कहा कि आप लीड कोड आप बिल्कुल भी नहीं जानती हैं, तो आप डीएसए पे बिगिनिंग करने से पहले आप पाइथन की थोड़ी सी क्लासेस ले लें। तो वो मुझे थोड़ा सा मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं डायरेक्ट लीड कोड स्टार्ट कर सकती हूँ या मैं आई एम अ 40
40 प्लस एज है मेरी, तो मैं लीड को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकती हूँ या मैं पाइथन भी स्टार्ट करूँ साथ में? और दूसरी बात ये सर कि मेरा ग्रेजुएशन मैंने आपको कहा बताया था, मैंने मे भी बहुत सारे लोग होते जाहिर आप याद नहीं रख सकते, बट मैंने बताया मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है 2002 का, लेकिन जाहिर है अब वो अप्रूवेबल नहीं है एज द पॉलिसी, एज पर द पॉलिसी ऑफ HEC कि अब 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन को जो माना जाता है, तो मास्टर्स के लिए मुझे परमिशन नहीं मिल रही है बाय द पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सिटी एंड एज पर द पॉलिसी ऑफ HEC। तो वो उनका ये कहना है एडमिनिस्ट्रेशन का कि आप 4 ईयर्स का बैचलर करें, 4 ईयर्स के बैचलर में आप करेंगी और उसमें से मे भी हो सकता है सर कि उसमें से कोर्सेस कट हो जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सर मुझे 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन अगेन करना पड़ेगा। तो सर अब्रॉड के लिए ये थोड़ा सा ले, क्या ये 4 साल लगाने से देर ज्यादा नहीं हो जाएगी? आप क्या कहना चाहेंगे सर, मुझे आपकी एडवाइस चाहिए। जी, इसमें पहली बात तो ये है कि जो वर्स्ट केस है वो ये है कि आपको 4 साल लगाने चाहिए, राइट? कि अगर आपको बिल्कुल ही कोर्स कट नहीं होते, लेकिन आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि आपके कोर्स कट हो जाएंगे, तो लेकिन अगर 4 साल लगाने भी पड़ते हैं तो इट इज नॉट लेट एट ऑल, 4 साल का पता भी नहीं चलेगा गुजरते। ओके सर, एंड एज डजंट मैटर, राइट सर? एज मैटर करती है, आपको हेल्प मिलेगी, यू विल बी प्रेफर्ड। एज मैटर, वो लड़कियां जो वापस वर्कफोर्स में आती हैं, दे गेट प्रेफरेंस, वो लोग, वो लड़कियां जिनके बच्चे होते हैं हु आर मैरिड, दे गेट इवन मोर प्रेफरेंस, दे गेट इवन मोर प्रेफर्ड। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, कितनी मायें जो काम कर, कितनी मायें जो काम करती हैं, बहुत काम, टेक्नोलॉजी में 90%, टेक्नोलॉजी में लेस देन 10% गर्ल्स हैं, टेक्नोलॉजी डोमेन में लेस देन मे बी 0.1% मदर्स हैं, तो दे ऑलवेज गिव। थैंक यू सर, बट आई थॉट कि यंगस्टर को ज्यादा प्रेफर किया जाता नहीं, होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल इट इज अपोजिट। यंगस्टर देखें, यूनिवर्सिटी को यंगस्टर तो हजारों में मिलते हैं, जी जी, तो मदर एक दो ही मिलती है, तो दिस कम्स अंडर माइनॉरिटी, दे गेट प्रेफरेंस। नो सर, एक्चुअली जस्ट फॉर द नॉलेज आई एम अनमैरिड, और मैं वैसे मैं अपने लिए मैं करियर बनाना चाहती हूँ, आई हैव बीन रियली करियर ओरिएंटेड लाइक ऑलवेज, सो दैट्स व्हाई। इवन देन इट्स फाइन, गर्ल्स को प्रेफरेंस मिलती। थैंक यू सो मच सर। सो सर, बस आपको अपनी एप्लीकेशन, आपको अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करनी है। जी सर, जी सर, आपने मुझे कहा था, जी आपने मुझे कहा था सर कि GPA बहुत आपका अच्छा होना चाहिए, एंड देन सर मुझे मुझे इंग्लिश मेरी अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी है, बट फिर भी मैं आइल्स को सेशन को लूं, या मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लीड कोड को मिस कंसिस्टेंसी से फॉलो करना चाहती हूँ, ताकि कोडिंग में मेरा बिल्कुल लीड कोड लें, और बिल्कुल वेट ना करें पाइथन पढ़ने का। जी ठीक है सर, और जो सेशन आता है बस जो चीजें समझ आती हैं समझ आती जाएं, जिन चीजों को रट्टा मारना पड़ता है रट्टा मारती जाए, ठीक है? और हैकाथॉन में भी मैं पार्टिसिपेट करूं, आपने ही कहा था। ऑफ कोर्स, बिल्कुल हैकाथॉन में जाएं, सर जुबैर से हेल्प ले लें, अगर हैकाथॉन में जगह नहीं मिल रही तो बाकी मॉडरेटर से हेल्प लें। डू नॉट वेट फॉर अ सिंगल डे, एवरी सेशन इज डूएबल, और जो ह्यूमन ब्रेन है वो आउट ऑफ ऑर्डर लर्निंग कर सकता है, तो देयर इज नथिंग व्हिच इज कॉल्ड अ which is called a prerequisite. तो सर फाइनली फाइनल थिंग इज दैट के 4 ईयर्स का बैचलर जो मेरा हो रहा है वो भी करूं मैं, इसके बाद ही मैं फिर इंशाल्लाह अब्रॉड के लिए मैं। जी बिल्कुल ऐसे ही इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो मैम आप क्वेश्चन कर रही थी, मैं आपको, आपने, आप कह रही थी कि आपने ऑलरेडी कुछ किया हुआ है, लेकिन 3 ईयर्स का है तो उसको HEC रिकॉग्नाइज नहीं करी है, 4 ईयर्स प्रोग्राम, कुछ ऐसा आप कह रही थी मैम? नहीं, आई थिंक इन्होंने 2 ईयर्स का किया हुआ है, और वो नॉर्मली क्योंकि ये ज्यादा अवेयरनेस नहीं है इस प्रोग्राम के बारे में, तो इसलिए जो यूनिवर्सिटी का क्लरिकल स्टाफ है ना, वो उनके लिए इजिएस्ट वे आउट होता है कि वो ना कह देते हैं, लेकिन आई थिंक इट इज वेरी इजी टू कन्विंस दैट, क्योंकि इन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस तरह की यूनिवर्सिटीज। देखें, आप अगर अमेरिका में भी आए ना तो वो भी आपके 14 ईयर्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट?
बिकॉज इट इज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी. तो ये तो पाकिस्तान अपने कंट्री की डिग्री है, तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, इट इज वेरी इजी टू कन्विंस. आई एम ऑलमोस्ट आई एम मोर देन 90% श्योर कि ये मसला हल हो जाएगा. एक्सक्यूज मी सर, सर आप कुछ कह रहे थे सर, मेरे एजुकेशन कुछ और आप बता रहे थे, मैंने सुना नहीं. जी मैं ये बता रहा था कि जी सर, जी सर बोलें. मैं ही पूछा था मैम, आपने 2 साल का किया हुआ जी सर कोर्स जो. जी सर मैंने 2 साल का किया हुआ है, और कुछ मेरे डोमेस्टिक इश्यूज की वजह से मेरा मेरी जो डिवीजन थी वो भी बहुत लो आई थी. आई मीन थर्ड डिवीजन में मैंने क्लियर किया था ग्रेजुएशन. अच्छा अच्छा सही सही है, ठीक है. तो जिस तरह डॉक्टर जफर कह रहे थे कि आप ये मतलब यूनिवर्सिटीज हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी या कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, उनको आप अपना ट्रांसक्रिप्ट दें, तो इट इज पॉसिबल कि वो आपके कुछ कोर्सेज को रिकॉग्नाइज करके वेव ऑफ कर दें और आपको 4 साल नहीं 2 साल ही और लगाने पड़े. लेकिन इसको इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें. लेकिन हाँ, आप अगर आपका उसमें ग्रेड अच्छा नहीं है तो वो आपके जीपीए अफेक्ट कर सकता है, तो दैट इज अनदर थिंग कि अगर आप वो कोर्सेज दोबारा लेना चाहें. जी सर ये इसी का मसला है स्कॉलरशिप के लिए, कि मेरा जीपीए को ही रेस करने के लिए मैं फिर से ग्रेजुएशन अगर करना पड़ा, क्योंकि एमए एचईसी की पॉलिसी में नहीं है. अब एमए में एडमिशन हो नहीं रहे, और आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं 4 इयर्स का, इसी को एमए कंसिडर किया जा रहा है. अब मुझे तो ये बताया गया है फिलहाल, लेकिन अब चूंकि मेरा तो जीपीए का भी मसला है, तो मैं उसको रेस करने के लिए फिर से एडमिशन लूंगी, एंड देन इनशाला मैं जीपीए रेस कर लूंगी, तो फिर इस बेसिस पर और लीड कोड यानी कोडिंग के बेसिस पर मैं स्कॉलरशिप के लिए आई कोड गुरु की मदद लेना चाहूंगी. अच्छा चलें चलें, दैट्स ग्रेट, या वी आर हियर टू हेल्प, बिल्कुल इंशाल्लाह. थैंक यू सो गुड. जी जो आज का बहुत जबरदस्त माशाल्लाह सेशन रहा, इट इज ग्रेट टू सी के माशाल्लाह देखें कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा बाहर वो कितनी हेल्प करना चाह रही है स्टूडेंट्स की, और कितने जबरदस्त तरीके से ये लोग अपनी वीकेंड में से टाइम निकाल के आप लोगों को दे रहे हैं. तो इट्स नॉट इजी, क्योंकि इसके लिए पहले प्रिपेयर भी करना पड़ता है, एंड एवरीबॉडी इज बिजी, एवरीबॉडी इज ओवरलोडेड. तो माशाल्लाह इट इज ग्रेट. एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? तो इंशाल्लाह हम मंडे से आई थिंक 4 IELTS के सेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं. तो जिन लोगों का 6th सेमेस्टर जो भी है, जिनका 6th खत्म हो रहा है या सीनियर है, इट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें उन सेशंस में और अच्छा सा बैंड लें IELTS में जितना अच्छा पॉसिबल है, क्योंकि दिस इज द की टू स्कॉलरशिप. और कोशिश करेंगे गर्मियों की छुट्टियों में आज कर दें. सर कैन आई से समथिंग? सर अभी कोई आपसे क्वेश्चन क्यूरी नहीं करा, तो मैं इस मौके में कुछ अपना एडवांटेज सर पे ले. जी, गो अहेड. सर मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने आई मीन जावास्क्रिप्ट मैंने बीच में ही लैंग्वेज थोड़ी सी पढ़ी है, बट मैं फ्रंट एंड के आई मीन बीच से ही मैं स्किप करके मैं डायरेक्ट लीड कोड पे अगर जंप ऑन करती हूँ, तो मुझे कितने अरसे में आई मीन डेडिकेटेडली डेली मुझे कितने आवर्स देने पड़ेंगे? जस्ट एन एस्टिमेशन सर. जी डेली बस उतने आवर्स दें कि आप शाम को टायर्ड फील ना करें और अगले दिन सुबह उतनी ही फ्रेश हो जितनी पहले दिन फ्रेश. ओके, और जो लर्निंग का क्राइटेरिया है मॉडरेटर्स मुझे गाइड कर देंगे वहां पर लीड कोड के सेशन में कि लर्निंग किस तरीके से क्या मुझे क्वेश्चन लर्न करने के 3 से 4 स्टेप होते हैं. ओके, पहले पहला स्टेप ये है कि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए. ठीक है सर. ओके, ये सवाल इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है और क्वेश्चंस का आउटपुट क्या है. दूसरा स्टेप ये है कि आपको एल्गोरिथम समझ आ जाए, टेक्निक समझ आ जाए कि कौन सी चीज करनी है. और तीसरा स्टेप ये है कि आपको कोड करना भी आ जाए. ओके सर, कोड लिखना खुद आ जाए. तो जो कोड लिखना दैट इज द लास्ट स्टेप, वो शुरू में आपके लिए शायद डिफिकल्ट होगा, तो अगर आप वो क्वेश्चन भी समझ आ रहा है तो इट इज अ वेरी गुड स्टेप. जी सर. सर अगर एल्गोरिथम समझ आ रहा है,
अगर एल्गोरिथम समझ आ रहा है दैट इज अ नेक्स्ट स्टेप। कोड बेशक शुरू में ना हो कोई मसला नहीं है, तो कोशिश करें कि दिन में तीन से चार, शुरू में दिन में 3 से 4 घंटे लीड कोड पे लगाएं और वो लीड कोड के सेशंस में आके लगाएं, खुद ना करें। ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है, और फिर खुद इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करें। ओके सर, ये मैं सबसे मैं ये इसी क्वेश्चन की तरफ आने वाली थी कि जो स्टूडेंट जो है ऑल ऑफ अ सडन मैंने किसी भी सेशन से स्टार्ट लाइक मी स्टार्ट कर देते हैं, तो सर हमें बेसिक आई मीन जो शुरू के जो सेशंस हैं उन पे एसएस कैसे मिलेगी, मैं बुक पे जाके दिस इज ग्रेट क्वेश्चन। देखें आई कोड गुरु पे हम वैसे सिखाते हैं जैसा अल्लाह ने ब्रेन को बनाया है। जी जी, और ब्रेन के लिए, ह्यूमन ब्रेन के लिए प्रीरिक्विजिट नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, कि हमारे किसी सेशन का कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। डोंट गो एंड ट्राई टू फाइंड द रिकॉर्डिंग। सही है, ये बिल्कुल उसी तरह जिसने जब आपने चलना सीखा था तो आपने घर वालों से प्रीरिक्विजिट मांगा था कि आप तो सब लोग चल फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मुझे प्रीरिक्विजिट वाला कोर्स बताओ कि पहला स्टेप कैसे लेना है। नो सर, सर तो जो सेशन चल रहा है जी वहीं से लेना शुरू कर। बिल्कुल, जो अपने ब्रेन को ये बता दें कि आज के सेशन में जो बातें होंगी मैंने उन्हें ज्यादा से ज्यादा समझना है, कुछ टर्मिनोलॉजी नहीं समझ आएगी उन्हें गूगल कर लें या उन्हें इग्नोर करें, और सिर्फ उतना समझना है कि जितना आसानी से समझ आ जाए, मैंने बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना। सर इन अ लाइट मूड आई वांट टू जस्ट गेट द नॉलेज कि अगर मैं यूट्यूब के जो वीडियो से मैं थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल फॉलो करूं या नहीं करूं लीड कोड के, या जस्ट मैं बताता हूं ना, आप दोबारा ट्राई टू विजुलाइज के बच्चा चलना कैसे सीख सकते। पहली बात, डेडलाइन कोई नहीं होती। जी सर, ऐसा ही है। दूसरी बात, वो पैनिक नहीं करता, लोग दौड़ रहे हैं उसे भी कदम भी उठाने हैं तो वो पैनिक नहीं करता कि लोग तो दौड़ रहे हैं मैं पीछे रह गया हूँ। तीसरी बात, उसके बात समझ भी ना आए ना वो टेंशन नहीं लेता। जी सर, 5 साल का बच्चा है, जब अडल्ट बात कर रहे हो 5 साल के बच्चे को सारी बातें समझ नहीं आती, लेकिन वो पैनिक नहीं करता। सही, तो जस्ट कीप दीज थिंग्स इन माइंड एंड जंप इनटू द सेशन एंड स्टार्ट लर्निंग इंशाल्लाह। ओके सर, राइट, सही है। अगर एनर्जी है तो यूट्यूब का सेशन देख लें, एनर्जी नहीं है तो बिल्कुल ना देखें। एनर्जी है तो रिवाइज करें, एनर्जी नहीं है तो बिल्कुल रिवाइज ना करें। अगर आप अपने आप पे फोर्स कर रही हैं तो यू आर सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर अ फेलियर। जो लोग मेहनत करते हैं 99% लोग कैरियर में फेल होते हैं एंड दैट इज बिकॉज ऑफ बर्नड आउट। जिस आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर देखते हैं ना, तो पूरे 2-4 प्रोफेसर है जिनमें एनर्जी होती है, बाकी थके हुए होते हैं, क्लासें पूरी करते हैं। पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे वो हैं लेकिन वो बर्नड आउट है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो उसके बाद लर्निंग बंद हो जाती है, बर्नड आउट के बाद लर्निंग बंद हो जाती है, इसलिए बर्नड आउट नहीं अपने आप को करना। एनर्जी है तो सेशन में ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट करें, एनर्जी नहीं है तो चाय का कप पकड़ कर बैठ कर सुनती रहे क्या बातें हो रही। एनर्जी है तो बाद में रिविजन भी करें, एनर्जी नहीं है तो बिल्कुल रिवाइज ना करें। Your body, your brain is telling you when brain is ready to learn new things, to grasp new concepts. So listen to your brain, listen to your body. Sorry, sir. But if I have a passion, then I need 2-3-4 hours to practice. हाँ, अगर आप सकती नहीं है तो, if you think you are tired after 1 hour of session, then stop there. ठीक है sir. जी सर, मुझे आपसे ये पूछना था सर, आपने अभी मैं आपकी टॉक्स ही देख रही थी शाम को, सॉरी सुन रही थी सर, तो उसमें आपने प्रेजेंट का बोला, आई मीन समझने के बाद, आई मीन जो जो क्वेश्चन मुझे समझ में आ जाए तो मैं उसको प्रेजेंट भी करूं, उसको खुद से आई मीन नहीं, ये लास्ट स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि आप कहेंगे मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रेजेंट करना है, सॉल्यूशन को योर प्रेजेंट कर। अच्छा, सिर्फ क्वेश्चन प्रेजेंट करना है। ओके, स्टार्टिंग इट इज अ गुड स्टार्ट, राइट? अच्छा जी जी सर, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे, सॉल्यूशन आप को योर प्रेजेंट कर दे। अच्छा, हां तो वो पहले से मॉडरेटर से पूछ रहे हैं कल कौन सा क्वेश्चन होना है, तो आप वो क्वेश्चन पढ़ के आ जाएं और रिक्वेस्ट कर देंगे, कहना ही प्रेजेंट द क्वेश्चन, मैं सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा। तो टेक द थिंग्स इन बेबी स्टेप्स। सॉरी टू से सर, वोंट द मॉडरेटर्स थिंक अबाउट मी लाइक अ फूल? हाँ बिल्कुल, वी हैव अबाउट 50 मॉडरेटर।
हु मैनेज दिस होल प्लेटफॉर्म. तो जो अभी क्लास का जो वो क्लास पढ़ा रहे हैं उनसे आप स्लैक में पूछ रहे हैं या क्लास में पूछ रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैं सॉरी, मैं ये कहना चाह रही थी उनको, मॉडरेटर्स को, जो जो क्लास सेशन के होंगे उनको वियर्ड नहीं लगेगा कि मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रही हूँ? आई मीन ये वियर्ड नहीं है, दिस इज द प्रॉपर लर्निंग स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. दूसरी बात ये है कि फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स, वी आर रूथलेस टुवर्ड्स योर सक्सेस. ओके सर, ओके सर. मैं काम दुनिया को क्या लग रहा है, अगर बेबी या बेबी को यह वियर्ड लगे ना कि मेरे से तो खड़ा नहीं हो जा रहा, बाकी लोग हंस रहे हैं, तो बेबी कैन नॉट लर्न टू वॉक. सही कह रहे हैं सर, वाकई राइट जी. तो, अगर टेक दिस थिंग आउट ऑफ द वे. जी जी सर, जी सर, जी सर. आई होप के आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. कोई और क्वेश्चन सर? बस ये एक ही अब रह गया सर, मौका मिल रहा है तो मैं पूछ रही हूँ सर कि ये हैकाथॉन काफी अरसा सर मैं 20-25 डेज स्लैक पर मैं डेली क्लासेस पे आई मीन ले रही हूँ, बट मैं वेट भी करती, कोई हैकाथॉन का आई मीन कोई अनाउंसमेंट नहीं आ रही है, तो आई मीन बस इसके लिए थोड़ा नॉलेज लेना. जी जी सर, रिजवान कोई हैकाथॉन अनाउंस करें. सर रिजवान लीड करते हैं इसको. सर हम कर रहे हैं अनाउंस, बिल्कुल हम अभी एक दो दिन में अनाउंस करेंगे. अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट जो हमारी अपनी वर्डप्रेस की हैकाथॉन होती है, ट्राई टू गो इनटू हैकाथॉन. यू कैन गो एज अ स्पीकर, एज अ मेंटर, एज अ जज और एज अ पार्टिसिपेंट. अगर आपको बिल्कुल वर्डप्रेस नहीं आती तो गो एज अ स्पीकर और किसी जनरल टॉपिक पे बात करते हैं. कहाँ सर? टाइम मैनेजमेंट पे बात करते हैं, लर्निंग पे बात करते हैं, लीड कोड पे बात करते हैं, किसी भी चीज पे बात करते हैं. कहाँ पे सर? सॉरी, मैं वर्डप्रेस की हमारी अपनी हैकाथॉन होती है, हाई कोड गुरु की, जो हर दो महीने बाद होती है, तो उसमें मैं बात कर रहा हूँ. तो वो सर जुबैर जफर मैनेज करते हैं, तो उनको बता दें कि अगली हैकाथॉन में मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ. ठीक है सर, ठीक सर. सर तो मैं किस तरह से हैकाथॉन में पार्टिसिपेट का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है सर? मैं अगर अनाउंसमेंट आती है हैकाथॉन की तो कहाँ पर मैं? इंटरनेशनल इंटरनेशनल हैकाथॉन के चैनल में. अच्छा, मॉडरेटर विल गाइड यू. ओके ओके, वहां पर मैं एवरी हैकाथॉन हैज अ डिफरेंट प्रोसीजर. ठीक है सर. हर हैकाथॉन का एक मॉडरेटर होता है हमारा, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और वो सबको लीड कर रहा होता है, सबको गाइड कर रहा है. जी सर, इंटरनेशनल हैकाथॉन के चैनल पे जाके मैं लिख लूं, आई मीन मैसेज दे दूं कि आई वांट टू पार्टिसिपेट इन इट. ओके, बिल्कुल बिल्कुल. और उस तक शोर मचाएं जब तक आपका मसला हल नहीं होता. डोंट सिट क्वाइट. नो सर, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, ऑल मॉडरेटर्स आर वेरी हेल्पफुल एंड वेरी वेरी. लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूं कि जी क्या कहते हैं, अगर बच्चा ना रोए ना तो बच्चे को मां दूध भी नहीं देती. जी सर, सो यू हैव टू मेक नॉइज if you are not being helped. I will get it, sir. Ji sir, inshallah. Thank you so much, sir, for your precious time. Thank you so much. Welcome, ji. Kisi aur ko question? सर मैं फीडबैक देना चाहूंगा, वो 10 PM की वर्डप्रेस का जो सेशन चल रहे हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं. जोर से बोलने जरा, जोर से, आपकी आवाज नहीं आ रही. यस सर, जुबैर सफर वो ले रहे सेशन 10 PM वाले, तो बहुत अच्छे जा रहे हैं. आपने सही कहा कि मैं भी यही सोचा था पहले, मैं HTML सीखूं, फिर CSS सीखूं, फिर JavaScript सीखूं, लेकिन वो साथ कर रहे हैं तो समझ भी आ रहा है. तो मतलब हम सीख सकते हैं कि हम साथ साथ करके भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं गए ना तो पहले आप इंग्लिश मीडियम स्कूल जाना शुरू कर दें. सही है. तो प्रीरिक्विजिट्स की तो कोई लिमिट नहीं होती. तो जस्ट गो टू द राइट स्टेप एंड फिर जो जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो सीखते जाएं. तो यू आर डूइंग माशाल्लाह ग्रेट, कीप इट अप. यस सर, थैंक यू सर. जी, एनीवन एल्स? कोई और चीज जिसमें हम हेल्प कर सकते हैं? कोई मॉडरेटर जो बहुत अच्छा काम कर रहा हो उसके बारे में फीडबैक दे दें. जी वाले कुछ काम सर, मैं करंटली लीड कोड और लीड कोड स्टार्ट किया हुआ है, तो काफी अच्छा सेशन है, उसको बहुत इंफॉर्मेटिव है. सर मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ के, जो अब कितनी स्कॉलरशिप्स आ रही है वो ज्यादातर BS के लिए और ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है उनके लिए है,
लेकिन जो जिन्होंने एमएस कर लिया तो क्यों उनके लिए स्कॉलरशिप्स नहीं है ये सारे के सारे स्कॉलरशिप्स एमएस वालों के लिए भी हैं और उन लोगों के लिए भी हैं जो पीएचडी कर चुके हैं। आई कोड गुरु पे अभी कम से कम 2 स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने पीएचडी कर ली हुई है और वो भी अमेरिका के एमएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर। जो स्कॉलरशिप था स्वीडन वाला जी, ये तो ऐसे उसके छोटे से लिए छोटा सा स्कॉलरशिप है, इसे तो सीरियस ट्रेनिंग की जरूरत है। ओके आप टारगेट करें फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप को, जिसके लिए अभी हम आयल्स करवा रहे हैं, वो आयल्स करें और सर अगस्त 1 से अप्लाई करना शुरू कर दें अमेरिका में एमएस और पीएचडी के लिए। तो आपका चूंकि एमएस पहले ही है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। जी सर आपकी डोमेन कौन सी है? सर यही मशीन लर्निंग है, इसी अच्छा पर ठीक है, पीसी तो रिसर्च आपका इसी जीपीए पर कितना है? 3.91। माशाल्लाह जी, आप बस आयल्स का अच्छा स्कोर लेके आए और आई कोड गुरु पे रेगुलर हैं तो आपका स्कॉलरशिप तकरीबन गारंटीड है, जी आपको सर मल्टीपल स्कॉलरशिप जी मिलने चाहिए। सर थैंक यू सर। वो हैकाथॉन्स भी जीती हूँ तो अभी भी सेक्शन लीडर हूँ, तो ये सब जबरदस्त, कुछ माशाल्लाह। आई कोड ग्रुप की वजह से। हाँ तो अभी आपको देखें कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि बाकी दुनिया भी मारे जाती है, हम कोई बहुत ज्यादा जी पीछे सर नहीं जी है ना। तो बिल्कुल, और मॉडरेटर से बात करें और एक अभी आयल्स के सेशन में लग जाएं। अभी आपको फुल टाइम आयल्स करना चाहिए, आप में और फुली फंडेड स्कॉलरशिप के दरमियान में जो मिसिंग लिंक है दैट इज आयल्स। ठीक है, तो आयल्स के मंडे से सर सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो आयल्स को इतना जबरदस्त करें कि उसमें अच्छा स्कोर आए। तो जी सर मिशा इंशाल्लाह आपका स्कॉलरशिप तो बहुत आराम से होगा। सर ठीक है मेरा सर, जी सर मुझे ये आइल्स की आपकी बात से सॉरी मुझे ये मालूम करना था कि सर मेरे अभी तो मेरा 4 इयर्स का मुझे करना पड़ जाएगा, आई मीन ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा। तो सर मुझे लीड कोड के आई मीन इंशाल्लाह जब मैं इसमें एक्सेल करूंगी तो मुझे आइल्स की जरूरत है या नहीं है लीड कोड के बाद ही आपको बिल्कुल आपको आयल्स की जरूरत है और आपका आयल्स जो है ना 2 हफ्ते में हो जाएगा। आयल्स इज नॉट अ अच्छा डिफिकल्ट, ठीक है। ठीक है सर दूसरी चीज, आपको मेरा ख्याल है कि 4 ईयर स्किप हो जाएंगे, आपको यूनिवर्सिटी कुछ सब्जेक्ट एग्जम्प्ट कर देगी, वो सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल होंगे, आपने रिपीट करने के नहीं करने। ठीक है सर ठीक ठीक है, है तो सर इसमें मुझे माफ कीजिएगा सर, इसमें मुझे मिली जुली राय मिल रही है कि इसमें कहा जा रहा है कि जो मुझे आई मीन जो कोर्स एग्जाम्प्ट हो जाएंगे वो जो भी मेरी डिग्री होगी वो एमए इंक्लूड होगा इसमें। आर यू आई मीन acquainted हाँ about बिल्कुल, this? वो उस डिग्री का नाम होगा बीएड। बेसिकली डिग्रीज के डिफरेंट नाम होते हैं, तो जी अमेरिका में जो वर्ड यूज होता है वो, तो आप जब भी डिग्री का नाम लें तो साथ नंबर ऑफ स्कूलिंग ईयर टोटल बताएं। जिस तरह आप कहेंगे कि आई एम बीएस और ब्रैकेट में लिखते हैं 16 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ओके ओके राइट। बट जस्ट सर दिस थिंग्स मेक मी सो कंफ्यूज्ड के कभी समझ में आता है कि कभी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से आई मीन मैंने विजिट किया था वर्चुअल यूनिवर्सिटी तो वो कभी कोई कहता है कि एमए काउंट होगा और कोई कहता है कि नो ये बीएस ही कहलाएगा तो वो मुझे समझ आ, में नहीं आ, आता और बिल्कुल, मैं समझ नहीं पाता तो मैं किससे पूछूं। जी सर आप बता आपकी दीजिए। आपकी 16 ईयर ऑफ स्कूलिंग है, आप इसे जो मर्जी कह लें, सही अच्छा ओके सर ओके है। और तो इट इज जी कॉल्ड सर बीएस। अगर कोई कोई इंटरनेशनल बंदा आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि बीएस, आई हैव डन माय बीएस, टीवी बीएस ओके पे ओके आप थैंक लिखेंगे यू बीएस। ठीक ठीक है सर। इंशाल्लाह अल्लाह है, करे मेरे कोर्स एग्जाम्ट हो जाए ताकि मेरा मैं कम अरसे में कर लूं और देन गॉट हाँ द बिल्कुल, एंड अगर एग्जाम स्कॉलरशिप। में प्रॉब्लम आ रही हो तो मैम ऐशा महबूब हैं सिलेक्ट पे, आई थिंक उनसे आपकी पहले बात हो चुकी है। अच्छा जी आयशा आरिफ से सर मेरी मैं कांटेक्ट पे हूँ सर। अच्छा नहीं, ऐशा महबूब ने अभी, उनका भी 20 साल का गैप है, उन्होंने भी वर्चुअल से स्टार्ट किया 5th सेमेस्टर में, ओ अच्छा ओके ओके तो सर ऐशा महबूब, तो आप उनसे उनसे ठीक सिलेक्ट पे कांटेक्ट करें तो आप मिल जाए। ओके सर ओके थैंक यू सो मच सर थैंक यू एंड देन आई विल आई मीन ट्राई फॉर द स्कॉलरशिप सर। अगर जीपीए इंशाल्लाह मेरा अच्छा आया देन हाँ फिलहाल तो अभी तो आप वो करें ना, क्या कहते हैं, 5th सेमेस्टर में जाएं, तो जी जी अभी तो मैं सर जी सर हाँ तो अभी 1 साल आयल्स को भूल गए, और नेक्स्ट जी वन आई ईयर सर
नहीं सर आईएलटीएस तो नहीं, बट ये बीएस के बाद तो जीपी अच्छा हुआ एंड देन लीड कोड या मीन कोडिंग, तो फिर मैं स्कॉलरशिप का तो मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप थैंक यू सर, बिल्कुल थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम जी। स्टूडेंट्स किसी और को क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, मैं अभी बीएस कर रहा हूँ सीएस में, फिफ्थ सेमेस्टर है वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था क्या कि मेरा जीजीपीए 3.2 है ना, तो मुझे जीपीए पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या आईएलटीएस वगैरह थोड़ा उस पे ज्यादा लर्न करना चाहिए? ये आईएलटीएस तो 2 महीने की बात है ना, गर्मियों की। यस, इन 2 महीने में आईएलटीएस पे फोकस करें और उसके बाद जीपीए पे फोकस करें। ओके सर, सही है। तो एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट? ये जो भी जिन स्टूडेंट ने आपने बताया ना जीपीए, अपना कुछ जीपीए आप जितना इम्प्रूव कर सकते हैं उस पे फोकस करें। हम ही कहते हैं अगर आपने कोई सब्जेक्ट रिपीट करके आपको उसका जीपीए में फर्क पड़ सकता है तो वो भी ऑप्शन लें, क्योंकि जीपीए इन द एंड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आप जितना अपना जीपीए इम्प्रूव कर सकते हैं ना उसकी कोशिश करें कि आपका जीपीए जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटीज अब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं, वो कई कोर्सेज आप रिपीट कर सकते हैं, वो उसमें जीपीए नया मतलब आपकी यूनिवर्सिटी में ये चीज होगी, तो उसको उसको जरूर फोकस करें कि आपका जीपीए बेहतर हो। सर कैन सर मैं ये मुझे भी ख्याल आया सर कि फैकल्टी कोई भी हो सकती है, आई मीन इंग्लिश में बीएस कर रहे हैं या फिर आई मीन फिजिक्स में, आई मीन बीएस में ये भी होता है कि माइक्रोबायोलॉजी और ये सब, आई मीन फैकल्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता? फैकल्टी से आपका मतलब है कि आपने बीएस कंप्यूटर साइंस में करना है या आप इंग्लिश में करना है, आप ये पूछ रही हैं मैम? जी सर, जी जी सर। नहीं नहीं, इससे तो फर्क पड़ता है। देखिए आपने आप जिस सब्जेक्ट में यहाँ पर आना चाह रही हैं, आपने जिस सब्जेक्ट में कल को मास्टर्स करना है, हायर स्टडीज करनी है, तो कोशिश करें कि आपका बीएस उससे रिलेटेड हो, एटलीस्ट साइंस से रिलेटेड हो। अगर आपने यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने फिजिक्स में केमिस्ट्री में किया हुआ है, उनको यहाँ पर ML में AI में अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, बट दे हैव अ साइंटिफिक बैकग्राउंड, राइट, दे आर स्टिल इन साइंस। लेकिन अगर आप आर्ट सब्जेक्ट्स में जाएं और वहां से आप मतलब फिर आप उसी फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सर माफ कीजिएगा, मैंने पिछली जो टॉक सुनी है उनमें तो सर ने ये सर जफर चाहे डॉक्टर जफर ने ये कहा था कि फील्ड कोई सी भी हो सकती है, आपको कोडिंग आनी चाहिए और आपका जीपी अच्छा होना चाहिए, तो और मेरा इंग्लिश साइंस में तो मैंने इंग्लिश में, तो मैं कंप्यूटर साइंस में मुझे आई मीन ट्रांसफर कर दिया जाएगा, हो सकता है सर? नहीं कोई, अगर आपने अपना मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में या इन सब्जेक्ट्स में करना है, तो उसके लिए बेहतर यह है कि आपका जो बैचलर्स है वो साइंस सब्जेक्ट्स में हो। अगर आपका बैचलर्स आर्ट सब्जेक्ट में हो, आपको कोडिंग आती हो, आप बहुत अच्छी हो, फिर भी एडमिशन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि आप फील्ड स्विच कर रही हैं ना उसमें। अगर आपने अगर आप आर्ट्स से साइंस में, मतलब आर्ट्स में आप बैचलर्स करें और साइंस में आप मास्टर्स करें, तो ये भी अगर आप पाकिस्तान में भी देखें तो यूनिवर्सिटीज एडमिशन इस तरह, क्योंकि वो एक प्री रिक्विजिट्स है ना कि आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, तो साइंस में तो आप कंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन आर्ट्स टू साइंस मुझे इतना नहीं पता कि आप आर्ट से में बैचलर्स करें और साइंस में आप मास्टर्स के लिए यहाँ पर एडमिशन लेने की कोशिश करें। या सर यू आर राइट सर, और मैं कोडिंग को लेके आगे परस्यू करना चाहती हूँ तो मुझे तो फिर साइंस से ही करना, आई थिंक इज इट करेक्ट सर? मैं जी, तो मेरा यही ख्याल है, बिल्कुल। आप अगर उस कोडिंग में और उस फील्ड में आना चाहती हैं, आप जितना कोडिंग से करीब हो उतना, मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस मतलब डेटा स्ट्रक्चर, मतलब इस तरह की जब आप चीज में करती हैं ना, आप मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन साइंस, अब इतनी फील्ड्स आ गई हैं वो रिलेटेड रहती हैं कि आप सॉफ्टवेयर में हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वो भी सही ठीक है, लेकिन आप जितना क्लोजर हो जाएंगे ना कोडिंग के सब्जेक्ट, कोडिंग के वो चीजें जहां पर कोडिंग इन्वॉल्व होती है, तो वो आपको हेल्प करेगी यहां पर मास्टर्स या पीएचडी के स्कॉलरशिप और एडमिशंस के लिए। ओके ओके सर, ओके थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू।
जैसे मैं आपकी बात पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, अगर हम बीएस करते हैं कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में, तो हमें ये फायदा होता है कि हम अगर लीड कोड या कोडिंग भी कर रहे हैं ना, तो हमारे कोर्सेज में भी उसमें फायदा होता है, मार्क्स भी अच्छे आते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रोग्रामिंग के कोर्सेज होते हैं ना ये इन डिग्रीज में, 5-6 कोर्सेज तो यही होते हैं मैक्सिम मिनिमम ना, तो इसमें काफी फायदा होता है। जी जी बिल्कुल, कोडिंग तो अब तकरीबन हर डोमेन में आ गई है ना, आपको डॉक्टर्स को भी कोडिंग करनी पड़ती है, तो आप मतलब ये चीजें जो आप हम अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब हम अगर अवॉइड करते हैं ना तो हमारे उतने चांसेस आगे बढ़ने के कम होते जाते हैं। अब हम अपने साथ देखते हैं, हमारे साथ जो है डायरेक्टर्स हैं, सीनियर डायरेक्टर्स हैं, वो अब कोडिंग नहीं करते क्योंकि वो उनके पास और बड़े काम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनको कोडिंग आती नहीं। उन्होंने अपनी स्टेज पे बड़ी अच्छी कोडिंग की है और आज भी वो कोड्स रिव्यू करते हैं, वो अल्गोरिदम्स रिव्यू करते हैं क्योंकि उनके पास वो नॉलेज बेस है। तो कोडिंग तो अब मतलब आप किसी भी दुनिया की फील्ड में जाएंगे तो ये चीज़ तो अब अगर आपने एक्सेल करना है तो ये चीज़ तो अब हमें ज़रूरत है इसको लर्न करने की। तो बिल्कुल अगर आप अगर ये बात ठीक है कि अगर आप उस फील्ड में हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन साइंस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में बैचलर्स कर रहे हैं, साथ आप लीड कोड कर रहे हैं, तो ये आपकी आपके सब्जेक्ट्स में भी आपकी हेल्प करता है। जी, थैंक यू फॉर द यस रिमार्क। अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपना जो आज का वेबिनार है यहीं पे एंड करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवान और सर जफर हमारे इतने सारे क्वेश्चंस का जवाब एड्रेस करने के लिए। सो नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे फिर एक नए वेबिनार के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह थैंक यू सो हाफिज़। मच थैंक मैम, यू। थैंक अल्लाह हाफिज़। यू मैम।